नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। महारिविजन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आजकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला ऑलरेडी कवर हो चुका है। सबसे पहले मुझे कुछ इन्फॉर्म करना है, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा अपना टॉपिक। सबसे पहले बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग की जो क्लासेज हैं वो सौरभ सर के रैंकर्स JEE वाले चैनल पर मिलेंगी आपको। और जो बाकी अदर पार्ट है, बाकी अदर पार्ट में आता है आपका कैलकुलस, ट्रिगो एंड एलजेब्रा। तो कैलकुलस, ट्रिगो, एलजेब्रा के दो टॉपिक, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट हम यहीं पे कवर करेंगे। और जो अदर टॉपिक्स हैं, अगर आप JEE मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो 25 के जो क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन यहाँ कवर होगा और 15 क्वेश्चन हमारा चैनल फ्यूचर IIT विवेक सर पे कवर होगा। तो बच्चों, कैलकुलस की भी क्लासेस रेगुलर चलती हैं, 9 बजे आती हैं, रात के 9 बजे डेली, महारिविजन करके आप थंबनेल से देख सकते हो, पोस्टर आप देखोगे तो सेम है दोनों के, तो आप उसको ज़रूर देखें। और एक चीज़ और बता दें बच्चों, जो बच्चे हमारे लिए नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और विवेक सर फ्यूचर आईआईटीएन विवेक सर पे जाएं और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चों, ये मैं इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि जितना भी समय आपका JEE मेन, JEE एडवांस के लिए बचा है, हम लोग चाहते हैं, मैं और सौरभ सर ये चाहते हैं कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो। सौरभ सर जो आपको फिजिक्स में गाइड कर रहे हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आज से भी मैं बार बार बोलता हूँ कि सिंसियर होइए और ये क्लासेज एक बार ज़रूर देख लीजिए। हमारा टारगेट यही है कि मैथमेटिक्स में हम मिनिमम 100 नंबर का जो पेपर आ रहा है उसमें 80 कर दें। और एडवांस के लिए बच्चे, तो आप टेंशन ही मत लो, पहले मेन करके आओगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा और अपने आप एडवांस से हमसे जुड़ जाओगे। तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, आपको एक ट्रस्ट, पहले तो JEE जो हमारे सामने हो, क्या है, JEE मेन है, ऐसा तो होगा नहीं कि पहले एडवांस देने जाएंगे, तो ये चीज़ करिएगा, क्लियर। तो वो क्लासेज जो कैलकुलस, ट्रिगो और सेलेक्टेड एलजेब्रा के जो टॉपिक हैं वो फ्यूचर IIT विवेक सर पे मिलेंगी। तो उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे जाएंगे फ्यूचर IIT विवेक सर, मेरा चेहरा तो देख ही लिए हो, तो ये जहाँ भी दिखे उसको और किसी को मत करना, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना, क्लियर। और उसको भी रेगुलर करिएगा, क्योंकि बच्चों टाइम की वजह से हमने दो पार्ट में कर रखा है, एक वहाँ चलेंगी क्लासेज, एक यहाँ चलेंगी, ये वजह है और कोई वजह नहीं है, क्लियर। और सौरभ सर जो भी आपको फिजिक्स में गाइड करते हैं, जो भी आपकी क्लास, जो भी होमवर्क देते हैं, आप उसको ज़रूर किया करिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर अभी से भी आप सिंसियर हो जाओगे तो जो चाहते हो स्कोर ना, हमारी तरफ से है कि मिनिमम हम 80 टारगेट किए हैं कि बच्चों को, हर बच्चे को 80 दिलवा देंगे जो भी हमारी क्लास करेगा, क्लियर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इलिप्स। इलिप्स में दोस्तों हम लोगों ने पैराबोला पढ़ रखा है, पैराबोला में हमने आपको जनरल, और जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग हैं वो स्ट्रेट लाइन, सर्किल और पैराबोला वो ज़रूर देख लें, क्योंकि अब इसके बाद हम हाइपरबोला पढ़ाएंगे और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि हम लोगों को पता है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड 3D, फिर स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग, और लास्ट टॉपिक है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो ये चीज़ें करनी है, और ये इन्फॉर्म तो मैंने कर ही दिया कि जो अदर पार्ट है कैलकुलस, ट्रिगो एंड सेलेक्टेड एलजेब्रा आपका कहाँ चलेगा, फ्यूचर IIT विवेक सर पे, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि ये जो पैराबोला है ना, उसका इसेंट्रिसिटी तो 1 होता है। अब ये जो टॉपिक लिखे हैं इसकी इसेंट्रिसिटी मैंने बताया था, अगर आप क्लास की होंगे तो आपको क्लियर पता होगा, तो वी नो दैट इट्स इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, दो तरह के स्टैंडर्ड इलिप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हेडिंग लिखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, वैसे इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। x² / a² + y² / b² = 1 है ना, अभी हम मान के चल रहे हैं कि a ग्रेटर देन b है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेयर ये जो बी स्क्वायर होता है ना, दिस इज़ a² × 1 - e² होता है। अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएं तो ये एक इलिप्स है, इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें बतानी हैं जो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, हम डायरेक्टली डायग्राम ही बना दे रहे हैं, इसका डेरिवेशन भी होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उसमें नहीं जाना है हमें। इसमें टर्मिनोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो, इसके दो पार्ट होते हैं कुल मिला के। एक पार्ट होगा आपका जो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट होगा आपका टेंजेंट नॉर्मल का।
तो जब टेंजेंट नॉर्मल करेंगे ना, तो वो ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी वाला सारा चीज़ भूल जाएंगे। उसमें एक्स स्क्वायर का जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको ए डील किया जाएगा, और जो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर होगा उसको उसको बी से रिलेट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे जैसे हम लोग को पता है दोस्तों, दो फोकस होते हैं। एक होता है आपका एस डैश, और ये फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कॉमा जीरो, और इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए ई कॉमा जीरो। क्लियर, इनको फोकस कहते हैं। मैं एक एक करके लिख दूंगा इन सारे पॉइंट को। इनको हम लोग कहते हैं वर्टिसेस, ए और ए डैश। अगर आप कहाँ गया, ये वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ही आएगी, तो इनको कहा जाएगा वर्टिसेस। वर्टिसेस का हमने जनरल कॉनिक में डेफिनेशन बताया था वर्टेक्स का, कि ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो ये है एक्स इक्वल टू ए बाई ए, और ये सिमेट्रिक रिलेशन है ऑल क्वाड्रेंट्स में। तो आप कहोगे एक राइट साइड में बनाया है तो आपको एक लेफ्ट साइड में भी बनाना होगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई। क्लियर, ये जो दोस्तों होता है ना, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस का इन पॉइंट, और इसमें एक्स को जीरो करेंगे तो वाई जीरो कॉमा बी और जीरो कॉमा माइनस बी आएगा, तो इसको बी डैश कर देते हैं जीरो कॉमा माइनस बी। ये मैं एक चार्ट बनवाऊंगा और सब कुछ लिख दूंगा, लेकिन आप पहले और याद करने की भी टेक्निक बता देंगे। अगर आपने पैराबोला की क्लास की होगी तो आप देख ही रहे हैं कितना सिंपल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ तक हो गया, अब लेटेस्ट रेक्टम के लिए अलग से बना लिया जाएगा। तो एक दो चीज़ें आप लिख लीजिए। पहली चीज़ तो ए एंड ए डैश, इसको कहते हैं आर वर्टिसेस, और कोई वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछ लेता है, क्योंकि वर्टिसेस बच्चों वर्टेक्स का ही प्लूरल है दोस्तों। तो वर्टिसेस क्या होगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। फिर ये जो है ना ए ए डैश, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। एक्चुअली हमने ए को बड़ा कर रखा है, तो ये जो 2a लेंथ है इसको कहेंगे मेजर एक्सिस, और ये जो 2b लेंथ है इसको क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। मेजर एंड माइनर से रिलेट किया जाता है। तो मेजर एक्सिस और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे 2a। और तीसरी चीज़ हम क्या बता रहे हैं इसमें, कि bb डैश, bb डैश को कहा जाएगा, आप चाहो तो इसकी लेंथ लिख लो 2b, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइनर एक्सिस। क्लियर, अब डायरेक्ट्रिक्सेस आपको दिख ही रही हैं कि फोर्थ डायरेक्ट्रिक्सेस, डायरेक्ट्रिक्सेस, डायरेक्ट्रिक्सेस ये क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया वर्टेक्स। एक टेबल बनवाऊंगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको शुरू के 10 मिनट आपको पेशेंस रखना होगा। आप 10 मिनट में मत घबराइएगा कि यार यार ये क्या बता रहे हैं, ये तो सारी चीज़ें पता है दोस्तों, लेकिन इसके बाद भी आप पढ़ो, क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम में आप फोड़ के आओ, है ना। उसके बाद भूल जाना सब, मेरे लिए भूल जाना सारी चीज़ें, एग्ज़ाम में परफॉर्म होगा ना उसके बाद भूल जाना। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि यहाँ याद है एग्ज़ाम में कर ही नहीं पाए, वो तो बेकार हो जाएगा। फिर क्या किस लिए पढ़ा रहे थे आप, हमारा रिविज़न करा रहे थे, हमें तो फ़ायदा नहीं मिला। वो चीज़ मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। हम लोग एक हफ्ते तक अपने फ़ोन की घंटियाँ बजना चाहते हैं, और ये इसलिए फ़ोन आया क्योंकि हमारा सर सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आप लोगों ने रिविज़न क्लासेस कराई थी। तो इसको आप पेशेंस मार के रफ पे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉपी एकदम अच्छी वाली होनी चाहिए, आप रफ पे लिखो और समझो कि क्या है। तो फोकस क्लियर कर दिया, फोकस कहाँ गया भाई, फोकस तो नहीं क्लियर किया, तो उसको भी लिख ही लीजिए। ये एस और एस डैश को हम लोग बोलते हैं आर फोकाई, और इनके कोऑर्डिनेट्स तो ऊपर लिखे ही हुए हैं, तो अलग से लिख लिया जाएगा। अब ए ए डैश हो गया, बी बी डैश हो गया, ये दोनों दिख गए, डायरेक्ट्रिसेस दिख गए, इसकी लेंथ को बता दिए। अब हम लोग अगली हेडिंग आप लिखेंगे लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है दोस्तों, हमने ऑलरेडी जनरल कोनिक में इसको क्लियर कर दिया था। ए फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द कोनिक इज नोन है लेटेस्ट रेक्टम। तो हम लोगों ने इलिप्स का इक्वेशन अभी देखा कि इस तरह से है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, है ना, केवल हमें लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। तो ये है आपके फोकस हमने दिखाए थे, तो फोकल कॉर्ड क्या होगा, जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगी ये होगी, और ये होगी, डायग्राम देखने में जैसा भी लगे। इनको आप L1, L2, L3 या चाहे तो L1, L2 इधर लिख लो और L3, L4 हम इधर लिख देते हैं। क्लियर, ये चीज़ निकालना चाहते हैं। और इलिप्स क्या है दोस्तों, तो अपना इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अभी हम लोग हॉरिजेंटल इलिप्स पढ़ रहे हैं, इसी को 90 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे तो क्या कहते हैं उसको, वर्टिकल इलिप्स कहने के लिए होता है। वैसे मेजर एक्सिस लाइज अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरे का मेजर एक्सिस लाइज अलोंग वाई एक्सिस, ये टेक्निकल टर्म है जो हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने भाषा में इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल से रिलेट कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी। तो देखिए क्या है बेसिकली कि हम लोगों ने कोनिक का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि ये है डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा ये तो पता चल रहा होगा ना कि एक का अगर आप वर्टेक्स मतलब कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो आपको सभी मिल जाएगा। कैसे? तो कहोगे कि ये पूरा सिमेट्रिक ही है, जैसे इसको 2.3 निकाला तो ये -2.3 और इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। तो दोस्तों इसमें करते क्या हैं वो देखिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस होती है वो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का ई टाइम्स होता है। अब वो चीज़ चेक करते हैं। तो ये है अपना x इक्वल टू ए बाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, फोकस करिएगा। और ये है आपका ए ई कॉमा जीरो। तो आप कहोगे कि सर इसका अब्सिसा तो ए ही होगा, ऑर्डिनेट को लैम्डा मान लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको निकाल के ई टाइम्स कर दीजिए, उससे आपको एल एस मिल जाएगा। तो एल एस की वैल्यू हम लिख रहे हैं ई टाइम्स ऑफ एल टाइम्स एम। और एल एम कैसे निकोगे? तो आप कहोगे कि बाहर जो दूर है उसका अब्सिसा माइनस एल का अब्सिसा, एम का अब्सिसा माइनस एल का। तो एम का अब्सिसा कितना है? तो वर्टिकल लाइन है तो इसका अब्सिसा हो जाएगा ए बाई। तो ए बाई ई माइनस क्या लिखोगे? ए ई। अब आप ई को अंदर करिए, ए को बाहर करिए, तो वन माइनस ई स्क्वायर। और ये दोस्तों ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर। तो ये आपको दिख गया, तो इसको आप लिख दीजिए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विच इज़ बी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? ए। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एल वन के मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। एल टू कहाँ है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ में, तो ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। एल थ्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। यही मैं कह रहा था कि एक अगर आपको निकल जाएगा तो ये चारों भी मिल जाएंगे। और एल फोर तो माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं। और दोस्तों लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? तो इस फोकल कॉर्ड की लेंथ को कहते हैं। तो आप लिखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये कितना होगा? तो ये लिख देंगे L1 L2 और विच इज़ 2b स्क्वायर बाई a। और इसको याद रखिएगा, इसको एक और तरीका है रिलेट करने का, इसको 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं। और 2b हम लोगों ने अभी बोल रहे थे ये माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2a के इसको बोल रहे थे, तो मेजर एक्सिस को। तो ये आप ध्यान रखना, वैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, ये चीज़ इसको आपको याद रखना है। वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक दोस्तों टेबल बनाऊँगा अभी लास्ट में। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो क्या सीखा आपने? एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये इसलिए कह रहा हूँ ना दोस्तों क्योंकि कभी कभी जब क्वेश्चन आएगा ना टेंजेंट नॉर्मल का, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं कि एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पर आप टेंजेंट बना रहे हैं, तो जो क्वाड्रिलेटरल है आप उसकी एरिया बताओ। हम लोग करेंगे क्वेश्चन इसको। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो क्या है, पहले एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो हमें पता होना चाहिए। पता लगा कि कुछ पता ही नहीं है और क्वेश्चन करने बैठ गए, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये पहले पता होना चाहिए, है ना? ये क्लियर हो गया, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लिखेंगे अपना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फोकल डिस्टेंस। ये हो गया। फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी पॉइंट जो इलिप्स पे लाई कर रहा है उसकी फोकस से डिस्टेंस। तो आप कहोगे सर यहाँ तो दो दो फोकस हैं, इसका मतलब दो दो डिस्टेंस आएंगी। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अपना इलिप्स है, क्लियर? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बार बार आप चाहो तो इलिप्स को लिख सकते हो। ई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, इसका सेंटर 0, 0 होता है। और बी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर के इक्वल। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फोकल डिस्टेंस निकालना है तो एक पॉइंट इस पे मान लेते हैं पी, और उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन। क्लियर? अब आप कहोगे कि सर एक यहाँ पे फोकस है और एक यहाँ पे फोकस है, तो आप इसको लिखिए, एक पी एस निकालिए और एक पी एस डैश निकालिए। आप एफ वन एफ टू भी लिख सकते हैं।
आप तुरंत कहोगे कि एस का कोऑर्डिनेट है ए ई कॉमा जीरो और ये है आपका माइनस ए ई कॉमा जीरो, है ना। ये तो हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसको। अब क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाते दोस्तों। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कभी भी कोनिक सेक्शन में जो सर मतलब कोई भी कोनिक पे पॉइंट लाई कर रहा है उसकी फोकस से डिस्टेंस निकालनी है तो डेफिनेशन को पकड़ लेना। डेफिनेशन में क्या कहता था कि आप डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालो और उसका ई टाइम्स कर दो, ये करना है हम लोगों को। तो ये है अपना डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बाई ई, और इधर वाला डायरेक्ट्रिक्स क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाला टर्म है ना, यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, पेयर वाइज है। पेयर वाइज का मतलब कि अगर ये फोकस आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कैलकुलेशन में, कल क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको इस फोकस के लिए अगर डायरेक्ट्रिक्स की डिमांड है तो आप इस डायरेक्ट्रिक्स को लेंगे, और अगर इस फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स की डिमांड है तो आप इधर वाली डायरेक्ट्रिक्स को लेंगे। कभी भी क्रॉस कनेक्शन नहीं करेंगे कि इस फोकस को उठाया, इस डायरेक्ट्रिक्स को उठा लिया, तो फिर कहने के कहते हैं ना गई भैंस पानी में हो जाएगा क्या है, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको। फोकस डायरेक्ट्रिक्स, फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इलिप्स हैज टू फोकस एंड टू करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिसेस, पॉइंट टू बी नोटेड। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको पी ए चाहिए तो क्या करेंगे भैया, तो कहोगे इसको इस पर प्रोजेक्ट करिए एम, और इसको इस इधर प्रोजेक्ट कर दीजिए एम डैश, तो E टाइम्स क्या करें पी एम कर दें, और पी एम अपना कितना होगा, तो A बाई ई माइनस एक्स वन, तो ये आ जाएगा A माइनस ई एक्स वन, क्लियर। और पी एस डैश निकालोगे, ये ध्यान रखना A माइनस ई एक्स वन, और E टाइम्स क्या लिखोगे पी एम डैश, तो E टाइम्स ये हो जाएगा A बाई ई प्लस एक्स वन, या एक्स वन ऐसे लिखना चाहिए हमें, पहले राइट माइनस लेफ्ट करते हैं ना, तो x1 माइनस ऑफ माइनस ए बाई ए, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस ई एक्स वन। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कहेंगे लेकिन एडवांस में तो सुपर, तो ये क्या होता है पी एस डैश, तो ये आ जाएगा 2a, क्योंकि ये ई एक्स वन कैंसिल हो जाएगा आपका, और 2a का मतलब क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट आ गया, और ये जो कॉन्स्टेंट है ये अपने मेजर एक्सिस के इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स वन वाई वन को तो हम लोग चेंज कर सकते थे, तो ये पी एस और पी एस डैश की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही चेंज हो जाती, लेकिन उनका जो सम है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और इसी को कहते हैं अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, क्लियर। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, जो आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो उसमें यही दिया हुआ है डेफिनेशन कि इलिप्स ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेज का जो सम है वो कांस्टेंट आता है, जहाँ पे जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं, मैंने ये कहा कि एन इलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट and the two fixed points are called focus, ये foci of the ellipse and the constant sum is called is length of major axis, major बड़ा वाला, है ना, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो वो चीज़ आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको मैं लिखवा रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्केप नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं स्केप, जब यहीं आएगा तो क्यों स्किप करेंगे। तो एन इलिप्स इज, लिख लीजिए इसको, इलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, इन ए प्लेन सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर always constants, always constants। अगली चीज है the two fixed points, the two fixed points are foci of the ellipse, foci of the ellipse and constant sum, constant
सम इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ, बार बार दोस्तों बोल रहा हूँ, मेजर है ना, आप चाहो तो बड़ा सा लिख लेना, कई माइनर एक्सिस कराते हैं बेचारे और चौपट हो जाते हैं, वो काम नहीं करना है हम लोगों को, हम लोग को एग्जाम को फोड़ना है ना। तो ये हमने बताया। अब जैसे आपको प्रैक्टिकली अगर इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करना है, बस सुन लीजिए एक बार, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लिख लेना आराम से। तो क्या करेंगे फिर, तो कंस्ट्रक्ट करना है दोस्तों, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जैसे आप घर पे क्या करिए, दो पिन गाड़ दीजिए, मतलब हैंग कर दीजिए उसको अच्छे से, उसको एक धागे से बांध दीजिए, और धागा को टाइट करते हुए जब आप चारों तरफ घुमाएंगे ना, तो ऐसे ही कुछ डायग्राम बनेगा अंडे की तरह का, इलिप्स है ना। अब एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फोकस, दो फिक्स पॉइंट्स हैं इनको फोकस कहते हैं, और कांस्टेंट सम को डायरेक्ट्रिक्स से, सॉरी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे करवाएगा वो आपके एग्जाम में, तो वो करवाएगा आपसे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकलवाएगा। तो दोनों जो फोकस हैं उनके बीच की डिस्टेंस 2a ही था, 2a ही निकल जाएगा आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से, और 2a निकल जाएगा उनके डिस्टेंसेस के सम से, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको e की वैल्यू निकल जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट हॉरिजेंटल एलिप्स। अब इन्हीं भाई साहब को हम लोग 90 से रोटेट कर देंगे और सब कुछ रिलेटिवली उसको हैंडल कर लेंगे। तो मैं पहले कंपेरिजन बताता हूँ और उसके बाद एक टेबल बता देता हूँ, उससे आपको सारी चीज़ें दोस्तों याद हो जाएंगी, यकीन मानिए सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये आप आराम से नोट कर लीजिएगा, क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूँ, लेट अस मूव फर्दर। तो देखो दोस्तों, अनदर फॉर्म ऑफ एलिप्स एक होता है, वो क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया, ये इस तरह से बनता है, क्लियर। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको हमने पैराबोला में भी एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी आप एक्स वाई एक्स मतलब 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, तो क्या होता है, एलिप्स की इक्वेशन में एक्स वाई एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे e की वैल्यू, मान लीजिए इसको e2 मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई, पहले क्या होता था, ए स्क्वायर, पहले मैं e1 को लिख देता हूँ, है ना, अपने हॉरिजेंटल वाला, उससे आपको रिलेटिव कंपेरिजन देखने को मिल जाएगा। तो ये e1 लिखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर। अब दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि जब स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है। मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो फीडबैक के बेसिस पे, जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कुछ याद करने की टेक्निक बता दीजिए, तो ट्रिक्स ये है दोस्तों कि आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जो बड़ी चीज़ है ना उसको ए से रिलेट करो और जो छोटी चीज़ है वो बी से रिलेट करो। तो यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। इट्स ऑल अबाउट जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था। तो अब ये भाई साहब की इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे, ई टू, तो x को y से रिप्लेस कर देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। तो उसी चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। और दोस्तों यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि जो a है वो ग्रेटर देन b होता है, और जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, क्लियर। तो अब हमें भी क्या करना है, जो इक्वेशन वाले टर्म है, जैसा कि हमने पैराबोला में भी आपको हिंट दिया था कि जो इक्वेशन है उसमें एक्स वाई को एक्सचेंज किया, कोऑर्डिनेट्स में क्या करेंगे, अब्सिसा ऑर्डिनेट को एक्सचेंज करेंगे, और जो लेंथ वाले टर्म है उनमें क्या करेंगे, उसमें भी एक्सचेंज करेंगे क्या। कहोगे कि नहीं, उसको तो आपने बताया था कि उस लेंथ को इंक्लाइन कर दो, कुछ भी कर दो, वो तो लेंथ सेम ही रहता है, उसको नहीं करेंगे। तो फटाफट लिख ही दिया जाए, तो पहले ये एक्स इक्वल टू 1 ए बाई ई लिखते थे, अब क्या होगा, वाई इक्वल टू ए बाई ई, ये लिखते थे ई कॉमा 0 फोकस, अब 0 कॉमा ए ई, ये वर्टिसेस है 0 कॉमा ए, देख रहे हैं ना कितना आसानी से लिख देंगे, ए डैश 0 कॉमा माइनस ए, ये अपना बी, बी कॉमा 0, और ये है अपना बी डैश माइनस बी कॉमा 0, और ये एस डैश भी लिख ही सकते हो 0 कॉमा माइनस ए। तो इस तरह से, और ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो इस तरह से हम लोगों का बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। और अगर कोई पॉइंट मान लीजिए पी पकड़ते हैं इस पे x1 y1, तो इस पे क्या होगा कि अगर आप पी एस की बात करोगे तो ये पहले आता था a माइनस ई एक्स वन, अब आएगा a माइनस ई वाई वन, और पी एस डैश आएगा आपका a प्लस ई वाई वन। तो यहाँ से जब दोनों का सम करोगे पी एस प्लस पी एस डैश, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a। अगेन पुराने डिफिनीशन की तरह आप कह सकते हो कि सर इलिप्स में दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेज का सम अगर कांस्टेंट और 2a है
तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम इस इलिप्स को हॉरिजेंटली अलाइन कर रहे हैं या वर्टिकली रख रहे हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो वही बात है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है, इसमें अगला पार्ट ये आप आराम से नोट कर लीजिएगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पहला है फॉर्म या दूसरा है फॉर्म। तो उसके लिए टेक्निक समझिए। आपको हमने क्या बताया था कि इलिप्स को स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, एक ये इक्वेशन है और दूसरा है एक्स स्क्वायर बाई मान लीजिए 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो इसमें कौन सा हॉरिजेंटल है, कौन सा वर्टिकल है, अब ये हमें पहचानना है। तो उसका रूल ये होता है दोस्तों कि राइट साइड, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आपका जो इलिप्स है उसका सेंटर ओरिजिन होता है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि राइट साइड में 1 बना लेते हैं स्टेप 1, फिर एक्स स्क्वायर बाई समथिंग प्लस वाई स्क्वायर बाई समथिंग इक्वल टू 1 के फॉर्म में दिखता है। तो अब हम लोग जो एक्स स्क्वायर अपॉन और वाई स्क्वायर अपॉन है ना दोस्तों, तो उसमें चेक करते हैं कि बड़ा कौन है, कौन सबसे बड़ा है, ये चीज़ देखा जाएगा। और जो चीज़ लार्जर होगी उसको किससे रिलेट करेंगे, ए से। लेकिन अगेन दोस्तों ये रूल तब तक है जब तक हम टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि उसके बाद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को क्या पता है कि इलिप्स आपका हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, वो तो जैसे भी हो टेंजेंट इंटरसेक्टिंग सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। तो उसके लिए मैं अलग से बताऊँगा, इसको आप इसी तरह से डील करिए। अगर आप एक ही इक्वेशन को ए लेस देन बी ए ग्रेटर देन बी करके करोगे ना तो ट्रैप हो जाओगे, उसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं फालतू का, वो सब नहीं करना है। हम लोग ये चीज़ समझ गए कि जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसको भाई साहब को कंपेयर करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वी गेट ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 3। लेकिन अगर यही चीज़ हमें यहाँ कंपेयर करना हो तो कंपेयरिंग विथ लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से आप कहोगे कि सर मिल जाएगा वी गेट b की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो 3, और a की वैल्यू मिल जाएगी 4। ये सब दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ है बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि आप ए लार्जर को a से रिलेट करिएगा, और उसके बाद देखिएगा दोस्तों मैं एक टेबल बनवाऊँगा, उस टेबल में आपका कोई दम नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं और उसके बाद ये जो सेक्शन है इलिप्स का इंफॉर्मेशन बेस्ड वाला, और ये पूछा भी जाता है बहुत बार, क्योंकि इलिप्स का सेंटर पूछेगा, कभी वर्टिसेस पूछ लेगा, कभी इंफॉर्मेशन देके इक्वेशन पूछ लेगा, इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करवाएगा जो कि एक फेबुलस क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें हमें करना है। तो अनदर डिफिनीशन ऑफ इलिप्स में यही है कि अब हमारा इलिप्स का जो मेजर एक्सिस था अब वो वाई एक्सिस हो गया, और माइनर एक्सिस जो पहले वाई एक्सिस हुआ करता था अब एक्स एक्सिस हो गया। और इलिप्स की इक्वेशन में क्या किया, एक्स वाई को बस एक्सचेंज कर दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ए ग्रेटर देन बी ही है हर केस में, है ना। मेरे को इसमें भी कुछ बताना है आपको, वो ध्यान दीजिए जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है ना दोनों में तो सेम ही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए ई की वैल्यू लिखोगे ना तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे प्लस माइनस होगा, लेकिन हम प्लस वाला इसलिए लिए हैं क्योंकि हम लोगों को पता है ए को रिलेट किए हैं मेजर एक्सिस से, और इसेंट्रिसिटी अपना 0 से 1 मतलब पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसमें फ़ायदा ये होता है ना कि आपको ए और बी दिया हो तो एडिशनल फोकस के लिए ई की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। इसमें जैसे नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट की ई निकालते हैं फिर ए और ई का मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या बताते हैं कि आप इसको इस तरह से टारगेट करिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि जेई मेन और एडवांस कई बार टारगेट कर चुका है, हम लोगों को पता है ना कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1, और 1 मतलब कांस्टेंट आ जाता है। तो ये चीज़ पूछा जाता है कि उसके वेरिएबल लगा देगा और कहेगा कि इसमें कौन सी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है जो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती। तो एक ये ऑब्जर्वेशन किए रहेंगे तभी तो हम लोगों को क्लिक करेगा ना, नहीं तो कहेंगे कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा है, नहीं तो चारों ऑप्शन फिर चेक करना होगा, वो तो है ही अपने पास ऑप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा इलिप्स बेचारा है तो ये माइनस आया है, जब हाइपरबोला पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो वो चीज़ हम आगे रिवाइज करा देंगे, उसके लिए बस निश्चिंत रहिए। तो ये हमने पूरा बता दिया आपको, अब एक टेबल के बारे में बात कर रहे थे, एक टेबल बनाते हैं और सारी चीज़ें उसमें लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने पूरा एक टेबल बनाया है
इसमें ये हॉरिजेंटल इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना, थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, आप सही से लिखिएगा। और ए ग्रेटर देन बी है, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया भी था। अब देखिए सेंटर के बारे में बात करते हैं, पहले हॉरिजेंटल इलिप्स के बारे में बात कर लें, है ना, ये अपना हॉरिजेंटल भाई साहब हैं और ये कौन है वर्टिकल वाले हैं। तो देखिए वर्टिसेस क्या लिखते हैं, तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। फोकाई के बारे में क्या बताया था, तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, जिसको एस और एस डैश बोल रहे थे। डायरेक्ट्रिसेस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। इसेंट्रिसिटी के लिए हम लोग एक रिलेशन को यूज़ करेंगे, और ये रिलेशन को कैसे दोस्तों पढ़ते हैं, तो बी स्क्वायर मतलब स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू लार्जर का स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर। ई लेस देन वन है तो वन माइनस ई स्क्वायर एक फ्रैक्शनल नंबर होगा। अब बड़े को छोटा करेंगे तभी तो छोटा आएंगे ना, अगर छोटे में बेचारे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा कभी आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ कभी भूलने वाला वैसे चांस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ कौन है। यह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिलेशन होता है, इसलिए हमने उस तरह का बताया ही नहीं। मेजर एक्सिस आपका क्या है, टू ए है, ये माइनर एक्सिस टू बी है। आप इक्वेशन भी लिख सकते हो वाई इक्वल टू जीरो, और ये होता है अपना एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम क्या बताया था, टू बी स्क्वायर बाई ए, और ये क्या लिखवाए थे लास्ट में, ई एक्स वन, ए माइनस ई एक्स वन और ए प्लस ई एक्स वन। अब हमें क्या करना है, टेबल को इधर कंप्लीट करना है। क्या तरीका बताया हूँ, तो जो आप कहोगे कि जो इक्वेशन वाले टर्म है उसमें एक्स और वाई को एक्सचेंज कर दीजिए, और जो कोऑर्डिनेट वाले हैं उसमें आप सीसा ऑर्डिनेट को एक्सचेंज कर दीजिए, और जो लेंथ वाले हैं उनको सेम रखना है। तो क्या करेंगे, ये जीरो जीरो को एक्सचेंज मारो, तो कहोगे कि सर जीरो जीरो ही रहेगा, ये जीरो कॉमा प्लस माइनस ए हो जाएगा, ये जीरो कॉमा प्लस माइनस ए ही हो जाएगा, ये वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होगा, यहाँ पे रिलेशन है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये टू ए है, लेंथ है, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, ये टू बी लेंथ है, नो चेंज, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, ये लेंथ है टू बी स्क्वायर बाई ये, नो चेंज, और ये ए माइनस ई वाई वन एंड ए प्लस ई वाई वन। एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो क्या मैं जो बोल रहा था वो 100% ट्रू है, आप कहोगे यस, तो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ शिफ्ट हो गया, सब कुछ कर लिए अच्छे से, याद भूलोगे तो नहीं ना। तो ये टेबल के बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई कहेगा कि फाइंड एवरीथिंग ऑफ द इलिप्स, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, नॉर्मली वो लेटेस्ट रेक्टम इसेंट्रिसिटी पूछते हैं, नॉर्मली मतलब जो ट्रेंड है लेटेस्ट रेक्टम और इसेंट्रिसिटी पूछने का, और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वाला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग आगे अपना जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है टेंजेंट नॉर्मल का उसमें मूव करेंगे। तो ये मैं मान के चलूँ कि आप कंप्लीट कर लिए हो, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो दोस्तों आगे मूव करने से पहले ये दो पार्ट होते हैं, जैसे हम लोगों ने शिफ्टेड पैराबोला पढ़ा था कि जब पैराबोला का वर्टेक्स एक्स एच कॉमा के हो तो x की जगह x माइनस एच और y की जगह y माइनस k कर देते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई इलिप्स है, है ना, इसका सेंटर आपको x एक्सिस और ये y एक्सिस दिया है, और आपने इसकी इक्वेशन को लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं डायग्राम को अगर यहाँ बना देते हैं सेम इलिप्स को, और ये अगर सेंटर आपका एच कॉमा के हो जाता है, तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी दोस्तों एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये ध्यान रखिएगा, वैसे ये बहुत रेयर है कि पूछा जाएगा, लेकिन हम क्यों अपने कॉन्सेप्ट को वीक रखें। और ये जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, इसको हम लोगों ने लिखा था एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन। तो अब क्या होगा कि अगर इस तरह का कुछ है, ये h कॉमा की अगर है, तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन। मतलब नेट सेल में दोस्तों बात क्या है, कहोगे कि सर ये तो टाइम पास है, आराम से कर लेंगे, x की जगह x माइनस एच और y की जगह y माइनस के, जो ओरिजिन शिफ्टिंग आपने बताया था अब एक बार बता दिया, फिर क्या है सर, ये तो इत्मीनान से हम लोग कर सकते हैं, आप नहीं भी बताते तो चलेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, पता चला हम स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में कराए और पता क्वेश्चन आ गया आपका शिफ्टेड वाला, तो शिफ्टेड वाले से कंफ्यूज नहीं हो गए, हॉरिजॉन्टल को शिफ्ट किया, वर्टिकल को शिफ्ट किया, सारी चीज़ें हो गई।
एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब आप लिखिए क्वेश्चन। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि एक चीज़ ध्यान रखना, ये बार बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसको मैं बनाता नहीं हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग बना लोगे, है ना। आप सोच रहे होगे कि सर केवल डंडी मारते हैं ऐसे, लगता है कि ये मतलब वही हैं, कम बेसी ज़्यादा तौल तौल रहे हैं, उस तरह की डंडी मार रहे हैं। अरे भाई आप लोग खुद लिख लेना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन, इतना तो हमारे ख्याल से सफिशियंट है आपके लिए बताना। तो पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, प्लीज़ डोंट माइंड, और आप इसको जरूर लिखिए, एकदम अच्छे से समझ जाइए। तो फाइनली x की जगह x माइनस h एंड y की जगह y माइनस k, क्लियर। अब हम लोग करते हैं अपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। इफ़ ये लेटेस्ट रेक्टम को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इफ़ लेटेस्ट रेक्टम ऑन एन ऑफ एन एलिप्स इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या बताया था, 2b, उसका आधा कितना होगा, b होगा। देन इट्स इसेंट्रिसिटीज़, इस तरह का जब नॉर्मलाइज क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, तब आप क्या करेंगे, हॉरिजेंटल मानेंगे। दिस इज ऑलवेज टेंजेंट नॉर्मल वे, कुछ नहीं दिया है तो हॉरिजेंटल मानेंगे। तो हम लोग इलिप्स को मान लेते हैं, लेट ई अपना जो इलिप्स है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, क्लियर। तो ये चीज़ हमने एज्यूम किया है, तो आपको क्या गिवन है वो देखिए। तो यहाँ गिवन है जो लेटेस्ट रेक्टम जिसकी वैल्यू हम लोगों ने याद करा था 2b स्क्वायर बाई ए, दिस इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ माइनर एक्सिस। अब हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो आप ध्यान से देखिए 2 तो गायब हो गया, अच्छे से देख लो। तो ये आ गया कितना, 2b स्क्वायर इक्वल टू ये 2 को गायब करोगे, एक b को भी गायब कर दीजिए, तो 2b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a के। अब हम लोगों को पता है कि बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर के, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, 1/4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो फाइनली ई कितना आएगा, तो ई आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबका अपना अपना टेक्निक होता है। जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको इस तरह से भी लिखते हैं, है ना, उसी को मैनिपुलेट करेंगे तो आ जाएगा। मैं इसको इसलिए अवॉइड करता हूँ कि यार इसमें भी हमें कैलकुलेशन करना ही होगा और इस तरह से भी करना ही होगा, क्यों ना ओरिजिनल चीज़ को पकड़ें जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। अगर याद करना ही है तो जो चीज़ें जो बेसिक हैं दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, वो बेसिक जो चीज़ें हैं वो याद करेंगे, ये बीच में क्यों पकड़ें भाई, बीच में हम आपके हैं कौन, है ना, इसको पकड़ना और इस तरह से करना। कितना टाइम लगा आप ही कह सकते हो कि हार्डली सर 20 सेकंड में आपने बता दिया। वही चीज़ है, पहले आप ओरिजिनल चीज़ लिखिए। हाँ, यहाँ पे कंटेंट को गलत मत लिखिएगा, अदरवाइज यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो फिर क्या कहेंगे, फिर तो रास्ता ही भटक जाएंगे। और ये ध्यान से हम लोग का इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आई है, 3/2। अब ऑप्शन चेक कराना मेरा काम तो है नहीं, वो तो खुद चेक कर लोगे, अब ढूंढो कहाँ है। तो ये है आई एम सी, क्लियर। तो ये आपका रहा क्वेश्चन, अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 10 इज इक्वल टू। माइनर एक्सिस जो है, इसमें जो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2b, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, 2ae। तो दोनों आपस में इक्वल हैं और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है दोस्तों, 10 है। तो हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताना है। एक चीज़ नोटिस करिए कि ये लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपका जो विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करनी है। तो इसमें मैं अगर पूछूं आपसे कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, तो कहोगे कि सर इसमें बारे में तो इन्फॉर्मेशन कहीं है नहीं। तो हम लोग दोनों मान के चलेंगे, हॉरिजॉन्टल भी मानेंगे वर्टिकल भी मानेंगे, और फिर आगे मूव करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो आप क्या करिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को मान लीजिए, या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये तो मैंने आपको सिखाया ही है। तो आप क्या करिए, 2b की वैल्यू किसके इक्वल कर दीजिए, तो 2ae, ये पहली इक्वेशन, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए विच इज इक्वल टू 10, ये दूसरी इक्वेशन।
अननोन कितने हैं, ए बी ई दो ही इक्वेशन लिखा है, तीसरी कहाँ है? तो आप कहोगे तीसरी है ना सर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर। तो आप क्या करो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, किसको, बी को। तो ये बी की वैल्यू ए ही है, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से पाओगे ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ई की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन रूट टू। तो आपको और ये भी मालूम है, तो सिंस हैंस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर। तो ये देखो ध्यान से कितना आ गया फाइनली, तो आप कह सकते हो वन माइनस ई स्क्वायर होता है दोस्तों, तो वन माइनस वन बाई टू, तो ये ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे आ जाइए, तो सिंस टू बी स्क्वायर बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव है। आप सीधे सीधे यहाँ बात करिए, तो बी स्क्वायर कितना लाए हैं, ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू हो गया फाइव ए, तो ए आपको फाइनली मिल गया टेन, और बी मिल गया कितना, फाइव रूट टू, क्योंकि ये टेन बाई कितना है, बी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो बी अपना आएगा ए अपॉन रूट टू, तो टेन अपॉन रूट टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बाद में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो फाइव रूट टू। क्लियर? तो अब आपको इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, तो इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन भी हो सकती है, या क्योंकि हम लोगों ने दोनों में से कोई भी देखा था, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन भी हो सकती है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड, है ना, हंड्रेड से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी है, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ दोस्तों, फिर ऑप्शन तो आप चेक कर ही लेंगे। पहले कह रहा है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, तो आप कह सकते हो कि सर इसमें एक्स हॉरिजेंटल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा है, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों पॉसिबिलिटी निकाला। फिर कह रहा है माइनर एक्सिस की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के इक्वल है, तो माइनर एक्सिस टू बी होता था, हम लोगों ने याद किया है, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो के बीच की डिस्टेंस टू ए ई, तो बी की वैल्यू ए ई के इक्वल आ गई। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला टू बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू टेन, और यहाँ से ये ऑब्वियस रिलेशन है जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे और वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे किया हमने, तो बी की वैल्यू यहाँ किया। सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कई कहेंगे कि सर ए स्क्वायर माइनस ए ई होल स्क्वायर करिए और ए ई की वैल्यू बी पटक दीजिए, तो ये आप जो इतना मेहनत की है ना वो जल्दी आ जाएगा। तो ये आपकी च्वाइस है, आप इसको सिंप्लीफाई जिस वे में करो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जो हमने एक अपना टाइप ऑफ तरीका बता दिया है, आप उसी को ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करें, आप ये तीन इक्वेशन बन गई ना, आप जैसे करो आंसर निकाल लो, तो ए की वैल्यू आपकी 10 आएगी, बी की वैल्यू 5 रूट 2 आएगी। तो मैंने कहा कि जब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ई वन भी लिख दिया ई टू भी लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 और टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 दोनों आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए भी है और कह सकते हो बी भी है। अब कई सोच रहे हैं कि जेई मेन में तो एक आता दो एक से ज़्यादा आंसर आता नहीं है, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं जेई मेन का प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मैं तो एडमिशन एडवांस का भी तो प्रिपरेशन करा रहा हूँ ना दोस्तों, थ्योरी पार्ट तो यहीं रहेगा, एडवांस में हम लोग को क्या करेंगे वहाँ पे सॉल्व करेंगे, एडवांस की भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जेई मेन ख़त्म होगा ना, एडवांस में तो फोड़ फाड़ देंगे दोस्तों, एडवांस तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि एडवांस में आपको पैटर्न पता है, ये जेई मेन का तो कोई पैटर्न ही नहीं है, खांची भर के पेपर और खांची भर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है यार, कोई मजाक बना रखा है, कितने क्वेश्चन याद रखेंगे, कुछ पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आया था, लेकिन एडवांस में पता रहता है, अभी लिमिटेड है, वो हम कराएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करिए, आप हमसे जुड़े रहिए और ये सब चीज़ें करिए, इन्जॉय करिए इसको, तो मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिक हो गया, सब कुछ सॉल्व किया, ऑटोमेटिक नहीं हुआ। अब हम लोग करते हैं एक और सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ये क्वेश्चन बेसिकली नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस आप आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन जेई मेन जे एडवांस दोनों में आया हुआ है। तो द एलिप्स ई वन एक्स स्क्वायर बाई नाइन प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू वन इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल आर हुज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये ई वन अपना हॉरिजेंटल एलिप्स है ना, तो उसको इत्मीनान से बनाते हैं। देखिए, तो पहले हमने हॉरिजेंटल एलिप्स बनाया और पता चला क्या है, तो ये एलिप्स जो दिया है
ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल आर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्लिप्स पूरा पूरा कम्प्लीटली लाई कर रहा है, तो वो इस तरह से बना देंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन बनाइए और यहाँ पे ऐसे हॉरिजेंटल बना दीजिए, आई एम रियली सॉरी, ये आप इस तरह से बना दीजिएगा, ये है वो आपका रेक्टेंगल आर, क्लियर। ये आपका एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अनदर इलिप्स, मतलब एक दूसरा इलिप्स है, इसका नाम है E1 दोस्तों, ये जो अंदर वाला है इसको मैं E1 लिख देता हूँ, इस रेक्टेंगल का नाम हम लोगों ने R लिख रखा है, पासिंग थ्रू 0.4, एक इलिप्स है जो 0.4 से पास कर रहा है और रेक्टेंगल को सरकमस्क्राइब कर रहा है, इंस्क्राइब मतलब होता है कि रेक्टेंगल के अंदर और सरकमस्क्राइब का मतलब रेक्टेंगल के बाहर, लेकिन रेक्टेंगल के जो चार वर्टिसेज हैं वो इलिप्स पे ही लाई करने चाहिए, तो उसको बनाते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, आप रफली बना दीजिए, हमें तो पता है नहीं ये कौन सा इलिप्स है, तो इस तरह से आप दिखा दो एक रफली, क्लियर। हमने अच्छे से नहीं बनाया है, मेरी ड्राइंग थोड़ी पुअर है, आप लोग सही से बनाइएगा। तो देखिए ये हम बना देते हैं, इसको ऊपर भी दिखाया इधर, और ये ऐसे, इसका नाम कह रहा है E2, तो आपको इसेंट्रिसिटी ऑफ E2 चाहिए, और ये क्या लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा है 0.4, क्लियर। तो देखते जाइएगा एक एक करके, आपको ये अगर मैं पूछूँ कि ये कितना है तो आप कहोगे कि सर ये है 3.0, और इसको पूछूँ तो ये क्या कहोगे 3.2 है। तो हमें इलिप्स की इक्वेशन के लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए और बी ही अननोन है ना, तो एक बार यहाँ से पास करा देंगे और एक बार यहाँ से। तो इलिप्स हमें हॉरिजेंटल वर्टिकल पता नहीं जब होता है तो हमेशा यही मानते हैं, क्लियर। आप ये मान लीजिए, तो आप देख रहे हो कि ये 0.4 से पास हो रहा है, तो तुरंत ये आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, क्योंकि बी की वैल्यू 4 दिख रही है अभी। अभी हमें ये बार बार मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, पता नहीं है कि हॉरिजेंटल है वर्टिकल है, तो हम नॉर्मल कोई भी एक इक्वेशन मान के चलते हैं, 3/4, 3.2 रख देते हैं, तो ये 9/a² प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1, तो ये आएगा इधर 9/a² इक्वल टू 3/4, तो ये 3 होगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो यहाँ पे जो इलिप्स है E2 उसकी वैल्यू लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई 12 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, है ना। अब इसका इसेंट्रिसिटी लिखने का मैंने क्या तरीका बताया था, तो जो छोटा है उसको मैंने बताया था कि 16 लिखिए और 1-e² कर दीजिए दोस्तों, इसमें कभी गलती नहीं होती है, तो e² की वैल्यू आ जाएगी 1-12/16, तो ये लिख दो, ये 16 लिखोगे यहाँ पे, और ये क्या है आप कहोगे कि ये है सर आपका, एक बार चेक कर लेना, ये 12 ही आ रहा है ना, 4 3 12, बिल्कुल सही है, 12/16 कितना होता है भाई 6/, ये कितना हो जाता है 8, 3/4 होगा तो 1/4 आएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 के इक्वल। लेकिन यहाँ तक मेहनत करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आप कहोगे सर अपने ही किए जा रहे हैं, हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो E1 भाई साहब हैं वो अपने एक रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड हैं, तो आप E1 तो बना लोगे ना, हॉरिजेंटल इलिप्स है, इतने तो कुछ कहना ही नहीं है, तो हमने E1 को बना लिया। अभी हमें पता ही नहीं है दोस्तों कि अपना जो आंसर आ रहा है E2 वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, इसलिए हमने हॉरिजेंटल ही प्रीफर किया है, अब वो अलग बात है, तो इसको थोड़ा ऐसे विधिवत बना लिया जाएगा, है ना। आप चाहो तो हम डायग्राम मिटा बना ही सकते हैं, लेकिन हमें थोड़े पता था स्टार्टिंग में, जैसे आपको ही आंसर थोड़े पता है, आंसर पता रहेगा तो फिर क्यों करोगे सॉल्व क्वेश्चन को, सीधे आंसर टिक कर दोगे। तो ये एक रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर इंस्क्राइब था, तो आपको रेक्टेंगल क्या दिया है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इस तरह से आपने रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल के अगर वर्टिसेज आपसे पूछता तो 3.2 -3.2 -3 -2 3, -2। अब कह रहा है कि जो अपना E2 इलिप्स है ये इसी रेक्टेंगल को सरकमस्क्राइब कर रहा है, सरकमस्क्राइब मतलब कि रेक्टेंगल भाई साहब अंदर, इलिप्स भाई साहब बाहर, तो उसको भी बना डाला। अब इसी का इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो मैंने कहा था, और ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया कि 0.4 पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो 0.4 इस पे लाई करा दिए, और ये जो है 3.2 क्योंकि सरकमस्क्राइब कर रहा है, तो इसमें चारों में से कोई भी वर्टेक्स दिखा देते हैं वैसे चारों लाई करेंगे, और चारों को सेटिस्फाई करा के निकालोगे ना, ये भी तो नहीं निकलेगा क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है ना, 3.2 -3.2 पुट करिए कोई दिक्कत नहीं है,
तो मैंने इलिप्स की इक्वेशन लिख दिया। आप ऐसे कह सकते थे कि सर आपको पहले से ही जब पता है कि ये 0, b है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 लिख दीजिए ना, उससे टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो नो डाउट बच्चों ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इससे पास कराइए। तो हम लोग मेहनत करके बी स्क्वायर की वैल्यू 12 निकाले। लेकिन अगेन यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो इसको मैंने क्या टेक्निक बताई थी कि ए बी भूल जाओ, है ना, कहीं भी चाहे ए बी, ये जो छोटे भाई साहब हैं ये बड़े भाई साहब में 1 - e² से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेंगे, क्योंकि इसमें 1 - e² का मल्टीप्लाई करना 12 से और छोटा, और हमें 16 बड़ा जाना है तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही हमने ये किया है कि ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये तो डायरेक्टली आ गया 4/16, और 4/16 इज 1/4, तो ये की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर। और आप चाहें तो ये आप हॉरिजेंटल लिप्स थोड़ा ऐसे वर्टिकल लिप्स दिखा सकते हैं, लेकिन उससे दिखाने से ये परफॉर्मेंस पे कोई थोड़े फ़र्क पड़ेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो IMC है, ठीक है ना, E=1/2। तो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन दोस्तों बताए। अब इसके बाद हम लोग अपने अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें ऑक्जिलरी सर्किल, पैरामेट्रिक इक्वेशन, टेंजेंट, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो दोस्तों अब आप हेडिंग लिखिए ऑक्जिलरी सर्किल। ये देखिए क्या है ऑक्जिलरी सर्किल, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आगे की जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका रोल आएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप चाहें तो लिख सकते हैं ए सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर ऑफ द इलिप्स इज नोन एज ऑक्जिलरी सर्किल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये अपना इलिप्स है, क्लियर, और इस इलिप्स, अब हम लोग हॉरिजेंटल इलिप्स के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि वही मेनली पार्ट आता रहता है, और इसको मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए ये जो सर्किल बनाएंगे इसी का नाम होता है ऑक्जिलरी सर्किल। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर ये मैं पूछूं तो क्या है, तो ये कहोगे कि 1, 0 है, ये अपना ओरिजिन। तो ये सर्किल की इक्वेशन लिखा जाएगा x² + y² = a² और ऑब्वियसली अपना इलिप्स क्या है, तो x² / a² + y² / b² = 1 है। क्लियर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस, द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स एज डायमीटर इज नोन एज ऑक्जिलरी सर्किल। तो इसका बस अब ये इसका वो कैसे क्यों ये बनाएं, तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म को समझने के लिए बनाते हैं दोस्तों। देखिए जैसे ध्यान से कि ये इलिप्स है और इसको हमने डायमीटर मानते हुए मैंने ये एक ऑक्जिलरी सर्किल इसका बना दिया। क्लियर। इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग बनाना और समझना इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हमें किसी भी पॉइंट का पैरामीटर डिफाइन करना है और वो पॉइंट यहाँ पे है, तो उसका कुछ रूल होता है कि हम इसको पहले मेजर एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं और ये आपका हो जाता है n, ये p है, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा q। p बेसिकली इलिप्स पे लाई कर रहा है और q आपका ऑक्जिलरी सर्किल पे लाई कर रहा है। तो यहाँ सेंटर से अगर हम इस q को ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं थीटा, और थीटा को बोला जाएगा पैरामेट्रिक एंगल ऑफ पी एंड क्यू दोनों। लेकिन हम लोग इलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पैरामेट्रिक एंगल ऑफ पी। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ का पैरामेट्रिक एंगल इस सेंटर से नहीं ज्वाइन करके बनाते हैं, उसको करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ढूंढते हैं। तो यहाँ एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैं लिखता हूँ। पहले चीज़ तो पी एंड क्यू आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, पहले तो ये लिखिएगा पॉइंट्स ऑन एलिप्स एंड ऑक्जिलरी सर्किल रिस्पेक्टिवली, एंड ऑक्जिलरी सर्किल रिस्पेक्टिवली, है ना। रिस्पेक्टिवली नहीं भी लिखा हो तो चलेगा, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि अगर हम P के बारे में बात करें तो ये रेडियस तो A आ चुकी है, सॉरी Q, तो ये हो जाएगा आपका A cos थीटा A sin थीटा। और ये कैसे आया दोस्तों A cos थीटा A sin थीटा, तो आप कह सकते हो कि सर ये आया है, आपने सर्किल में बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x = x1 + r cos थीटा और y = y1 + r sin थीटा। यहाँ x1 y1 0 0 है, x1 y1 गायब हो गया, r cos थीटा r sin थीटा है, और रेडियस की वैल्यू यहाँ पे क्या है A है, तो A cos थीटा A sin थीटा लिख दिए हैं।
अब हम लोगों को पता है दोस्तों कि ये तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा हो ही गया, और आप ध्यान से देखिए तो ये क्या होगा, तो कहोगे कि सर इसका भी अब सीसा क्या है, सेम ही है, लेकिन जब ऑर्डिनेट निकालेंगे ना तो ये बी साइन थीटा आ जाएगा। ये आप इलिप्स के इक्वेशन पे लाई करते हुए दिखा सकते हैं, और इसमें याद रखिएगा हैंस आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों कि एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू बी साइन थीटा इज पैरामेट्रिक फॉर्म, वेयर थीटा इज पैरामीटर। थीटा क्या है, ये पैरामीटर है, और इसको पैरामेट्रिक एंगल या इसेंट्रिक एंगल भी बोलते हैं, पैरामेट्रिक और इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक। और इसमें अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हम लोग इस तरह से भी कहते हैं, थीटा के जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई होती है, क्लियर। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जो x इक्वल टू लिखा है आपने, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू बी साइन थीटा, इसी को कहा जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म, वेयर थीटा इज पैरामीटर और पैरामेट्रिक एंगल और इसेंट्रिक एंगल। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें इसको ऐसे भी लिखते हैं और करके शॉर्ट में पी ऑफ थीटा लिख देंगे, जैसे पी ऑफ टी लिखते थे पैराबोला में, उसी तरह से यहाँ पे पी ऑफ थीटा। और पी ऑफ थीटा कोई बोलेगा इलिप्स पे तो आप तुरंत समझ जाना ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हॉरिजेंटल इलिप्स बनाया हूँ, तो आप ये पूछ सकते हो कि सर ये दूसरा जो था वर्टिकल इलिप्स उसका क्या हुआ, तो उसके बारे में दो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। पहली इन्फॉर्मेशन कि वो आता नहीं है, लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आ ही गया तो उसमें कैसे थीटा दिखाएंगे, मैं उसको यहाँ दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आप ऑक्सिलरी सर्किल बना देना, इस पॉइंट का अगर इसेंट्रिक एंगल निकालना हो तो आप क्या करना है, इसको मेजर एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना, फिर इसको इधर एक्सटेंड करके क्यू बना देना, क्यू को सेंटर से ज्वाइन करना और इसको थीटा लिखना, क्लियर। ये आपको करना है, मतलब यहाँ पे जो थीटा है उस केस में क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा टाइप का हो जाएगा, लेकिन उस सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आप बस इसको याद रखिए, आएगा भी क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड आएगा। तो मेरे ख्याल से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑक्सिलरी सर्किल के बारे में क्या बताया, जल्दी बताइए। तो द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स एज डायमीटर इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल का भी सेंटर क्या है, 0, 0, और रेडियस क्या है, a, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि द ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर हमने करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बता दिए, पी आपका इलिप्स पे, क्यू आपका ऑक्सिलरी सर्किल पे, थीटा ध्यान रखना क्योंकि इस पे कन्फ्यूज कर सकता है आपको और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवा सकता है, तो आप अलर्ट रहिएगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, पैरामीट्रिक एंगल है या पैरामीटर है। पैरामीटर के बारे में दोस्तों बताया था कि एक ऐसा चीज़ जो दो या दो से वेरिएबल को कनेक्ट करे, तो अगर आप कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे और स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आपको इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन आपको मिल जाएगी, है ना। अगर इसको करें तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, ऐसे कुछ आएगा ना, यही है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑक्सिलरी सर्किल को कंप्लीट कर लिया, और ये भी देखा कि ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा को पी ऑफ थीटा लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू दो पॉइंट लेंगे इलिप्स पे, है ना, और उसको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिखा जाएगा। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा लाइज ऑन द इलिप्स। इसको याद रखना है, थोड़ा याद रखना सिंपल होता है, थोड़ी मुश्किल होता है, लेकिन हम इसको आराम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। दोस्तों ये आपका इलिप्स का इक्वेशन है। ये अल्फ़ा लिखने का मतलब हो गया कि ये है ए कॉस अल्फ़ा बी साइन अल्फ़ा, है ना। ये बीटा लिखने का मतलब हो गया कि इसको लिखेंगे ए कॉस बीटा और बी साइन बीटा, क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू टू पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो ये आप लिखोगे y माइनस वाई वन मतलब b साइन अल्फ़ा इक्वल टू m, m कैसे लिखोगे, तो b साइन अल्फ़ा माइनस b कॉस अल्फ़ा होल सॉरी b साइन बीटा होल डिवाइडेड बाई a कॉस अल्फ़ा माइनस a कॉस बीटा टाइम्स x माइनस एक्स वन a कॉस अल्फ़ा। देखिए क्या करेंगे आप,
कि ये टू पॉइंट फॉर्म है तो पहले स्लोप निकाल लेंगे, तो y2 टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, किसी को भी y2 टू x1 x2 y1 y2 मान सकते हो। उसके बाद मैंने क्या बोला कि स्लोप आ जाएगा तो किसी पॉइंट को पिक करते हुए ये लिख देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे b कॉमन लेना है, यहाँ a कॉमन लेना है, साइन c माइनस साइन d और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है। कई सारे टर्म कैंसिल वनसिल होंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा लेंदी होता है डेरिवेशन, इसलिए हम लोग याद रखते हैं। और वो ऐसे है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ये हो जाता है इज, ये लिखा जाता है x बाई ए कॉस ऑफ, इन दोनों एंगल का एवरेज ले लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, मतलब आर्गुमेंट दोनों के सेम है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। और इसको तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ना। जेई मेन में अलग बात है कि अभी तक इस पे बेस्ड बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया है कि अगर फोकल कॉर्ड है तो टैन अल्फ़ा बाई टू और टैन बीटा बाई टू की वैल्यू बता दीजिए, है ना। तो ये बस क्या कराएंगे उस केस में, इस इक्वेशन को एक बार ए कॉमा जीरो से फोकल कॉर्ड के लिए कंडीशन क्या है कि वो कॉर्ड जो फोकस से पास करे, जैसे हम लोगों ने पैराबोला में भी पढ़ा था, टी वन टी टू को पहले ज्वाइन किया था और फिर ए कॉमा जीरो को उस पर लाई करा दिया था, तो टी वन टी टू की वैल्यू माइनस वन आ गई थी। तो यहाँ पर फोकल कॉर्ड के लिए आपको कंडीशन को याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ दो फोकस होते हैं, ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो। तो एक बार ए कॉमा जीरो से पास करा दीजिएगा और एक बार माइनस ए कॉमा जीरो से पास करा दीजिएगा। तो इस तरह से आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हमने बता दिया। आप अब इसके बाद लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो कि है पॉइंट एंड एलिप्स। पॉइंट एंड एलिप्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि पॉइंट रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स। तो अब देखिए यहाँ से अब टेंजेंट नॉर्मल का सेक्शन स्टार्ट होगा, तो हॉरिजेंटल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अलग बात है कि हम लोग प्रीफर करेंगे हॉरिजेंटल एलिप्स के बारे में ही पढ़ना। तो जो एलिप्स की इक्वेशन होती है ना दोस्तों, इस तरह से लिखते हैं एलिप्स को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो एस लिखा जाता है, जैसे हमने आपको बताया था, जनरल टू डिग्री कर्व, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ऐसे लिखेंगे, एस वन क्या है, तो मैंने बताया था कि एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह वाई वन मान लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट आपको एक्स वन वाई वन दिया है, तो क्या लिखोगे, एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। और एक टी होता है दोस्तों, जिसकी तैयारी अभी से कर लेते हैं। और क्या होता था, टी टी मतलब टेंजेंट लिखने वाला, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन और वाई स्क्वायर को वाई वाई वन करते थे। टी हो जाएगा एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही लिखते हैं। अब क्या होता है, ये एस वन के बेसिस पे इसको डिसाइड करते हैं। अगर एस वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो पी पॉइंट है ये आउटसाइड लाई करेगा, पी लाइज आउटसाइड द एलिप्स, आउटसाइड द एलिप्स। अगला चीज़ है कि अगर एस वन की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो गई, तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये यूनिवर्सल मेथड है कि कोई पॉइंट अगर किसी कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब उस कर्व पे लाई करेगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, पी लाइज ऑन द एलिप्स, ऑन द एलिप्स। और अगली चीज़ क्या है कि अगर एस वन की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, तो दिस इम्प्लाइज पी लाइज इनसाइड द एलिप्स। तो आप कह सकते हो कि जैसे आपने स्ट्रेट लाइन के सॉरी सर्किल के लिए बताया, पैराबोला के लिए बताया, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन नई चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ S किसको बोलेंगे, S1 किसको कहेंगे और आपका T किसको कहेंगे, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि अगला जो सेक्शन है वो टेंजेंट नॉर्मल, उसमें S, S1, T ये सब आएंगा एक एक करके। तो ये मेरे ख्याल से पॉइंट एंड एलिप्स को कन्फर्म क्लियर हो गया कि एलिप्स की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग जो भी दिया हो उसमें पुट कर देंगे। वैसे भी इस पॉइंट की मैंने देखा है कभी आज तक एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर पड़ गई बाई चांस तो इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं या लोकेशन वाइज ढूंढ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए जनरल इक्वेशन जो भी लिखे हैं, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर दो पॉइंट हैं और लाइन के दो तरफ हैं तो अपोजिट साइड अपोजिट साइन, सेम साइड सेम साइन, ऐसे पढ़े हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे ओरिजिन को इसमें रखते हो और वो नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब ये अंदर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए नेगेटिव आएगा, इस पे तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। जो आउटर पॉइंट है उसके लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो बीच में जीरो आ रहा है। तो
तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं, इसमें कोई मगना वगना नहीं है, ये सब भूल भाल भी गए तो याद कर लेंगे। क्लियर? आप जो जानते हो पॉइंट उसको रख देना, और उसी टाइप का उस रीजन वाला पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको रखते हैं नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सारे पॉइंट्स के लिए नेगेटिव आएगा, तो कभी कभार हो सकता है आपसे इनइक्वालिटी सॉल्व करवा ले। अब आप लिखिए हेडिंग पॉइंट एंड एलिप्स के बाद लिखिए लाइन एंड एन एलिप्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि एक एलिप्स की इक्वेशन है, और ये एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। क्लियर? एक लाइन है और उसके साथ तीन चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमने आपको पैराबोला में बताया था, और ये तीसरा। और लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपका p है, ये q है, ये कह सकते हो t है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि क्या करेंगे फिर, अगर कंडीशन ऑफ कैसे पता करेंगे कि 1, 2, 3 है। तो आप एग्जैक्टली दोस्तों, अगर आपने पैराबोला का क्लास किया है तो आपको याद आ जाएगा, और हम ये फोर्स करके कहे थे कि यहाँ सर्किल की तरह डी और आर वाला मेथड नहीं होता है, यहाँ क्या करते हैं लाइन और कर्व को कंबाइन करके एक क्वाड्रेटिक जनरेट करते हैं, और इस केस में क्वाड्रेटिक की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसमें इक्वल टू जीरो, और इसमें लेस देन जीरो होती है। तो यही करेंगे, तो आप पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वी गेट y की वैल्यू mx प्लस सी पुट कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ आएगा टू टाइम्स ए स्क्वायर एम सी एक्स, और प्लस ये आएगा आपका बी स्क्वायर टाइम्स, या जैसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन और आप लिखोगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सिंपली क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आ जाता है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जब हाइपरबोला पढ़ रहे होंगे तो इक्वेशन थोड़ी चेंज होगी, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस तरह से आपको डील करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2 × 2b है दोस्तों, या ऐसे कह सकते हो 2 × 2b नहीं है, ये कह सकते हैं कि आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आया, इसको नहीं रिलेट कर पाएंगे ना 2a 2b से, तो छोड़िए क्या फ़र्क पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कर देना तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे दो केस तीन केस बनते हैं दोस्तों। पहली चीज़ तो डी अगर पॉजिटिव है तो आप लिखना द लाइन इंटरसेक्ट्स द एलिप्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगली चीज़ है कि अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो गई तो कहेंगे कि द लाइन टचेज द एलिप्स, है ना, आप सही से लिखिएगा इसको। और डी अगर लेस देन जीरो हो गया तो क्या कहेंगे, द लाइन नॉट टच टू द एलिप्स। क्लियर? ये चीज़ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसके बेसिस पे जस्टिफाई करना है, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को हम लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो आई होप ये सब आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आराम से आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग। ध्यान से देखना दोस्तों कि अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसी में बात कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ये क्या होगा, तो आप कहोगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो कर दीजिए, तो डी जब जीरो करेंगे दोस्तों तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी
इज टेंजेंट टू एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो सी स्क्वायर की वैल्यू है दिस इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और मान लीजिए कभी एग्जाम में भूल ही गए सब कुछ, वैसे मैं कहूँगा कि इसको भूलिएगा मत, लेकिन अगर बाई चांस भूल गए तो और यहाँ पे ये भी देख सकते हो दोस्तों कि c की वैल्यू प्लस माइनस लिख सकते हैं, या उसी को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और करके लिख दीजिएगा y इक्वल टू एम एक्स और c की वैल्यू आई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द एलिप्स टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको आप याद रखिएगा। बाई चांस मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, एकदम वॉश आउट हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर कहेगा दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दिया जाएगा, और अगर कहेगा कि आपका लाइन टच कर रहा है एलिप्स को तो डी की वैल्यू जीरो कर दिया जाएगा, और कहेगा कि लाइन बाहर बाहर ही निकलेगी, कल्टी मार गई लाइन, तो फिर क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दोस्तों लेस देन जीरो कर देंगे। तो ये हमने आपको लाइन एंड एलिप्स के बारे में बता दिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सौरभ सर के चैनल पे देख रहे हैं रैंकर्स जेई, जो आपकी कैलकुलस ट्रिगो और एलजेब्रा की जो क्लासेज हैं वो आपकी चलेंगी फ्यूचर IITN विवेक सर पे। कहाँ चलेंगी, फ्यूचर IITN विवेक सर पे। तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा थोबड़ा तो देख लिए हैं, चेहरा देख लो, और वहाँ जाके ढूंढो कहाँ है फ्यूचर IITN विवेक सर। वैसे सर्च मारोगे ना यूट्यूब पे तो आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो फ्यूचर IITN। दोस्तों मैं फिर से बताऊँ मैंने नाम क्यों रखा है, मेरा नाम रखने के पीछे बस एक ही मकसद है कि जो बच्चे IIT के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका 1% भी है अंदर कि हम IITN बनना चाहते हैं, वो चैनल उन लोगों के लिए समर्पित है, हमारे डियर स्टूडेंट को समर्पित है चैनल, आपका चैनल है दोस्तों। हम तो सिर्फ उस पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस चैनल की जो भी पहचान है वो आपसे है, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करेगा, और हम चाहेंगे कि हम लोग जो टारगेट किए हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। यकीन दिलाते हैं दोस्तों आप उस मतलब जितना है कंटेंट अगर आप उतना हमारा कवर कर लें महा रिवीजन वाला, सिर्फ हमारा टारगेट यही है कि हर बच्चे का 22 क्वेश्चन सही हो जाए आउट ऑफ 25। तो यकीन दिलाते हैं दोस्तों कि आप 80 प्लस तो नंबर कर ही लोगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट इन द सेंस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करोगे, हमारा चैनल ग्रो करेगा, और वैसे भी कहते हैं ना कि गिव एंड टेक, तो हमारा आपका भला होगा तो हमारा भला दोस्तों ज़रूर हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्यूचर IITN विवेक सर, और 9 बजे आपकी हर रात को महा रिवीजन की क्लासेज वहाँ होती हैं। जैसे आज की क्लास आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की है तो उसको मिस मत करिएगा। उसके बाद हम एप्लीकेशन कैलकुलस पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद ट्रिगो 2 दिन का है, और ट्रिगो 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो सेलेक्टेड एलजेब्रा के टॉपिक्स हैं जैसे सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, PNC, बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कई कह रहे हैं, कई लोगों की सजेशन आती हैं कि सर आप वन शॉट वीडियो या महा रिवीजन टाइप का कुछ बना दीजिए, तो वो भी हम एक एक करके हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन ऑन करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना। ऐसे तो होगा नहीं कि आप घर पर ऐसे सो रहे हैं और अरे चलो चलो उनकी क्लास ऐसा आएगा, कुछ नोटिफिकेशन तो ऑन करना ही पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये हमने पूरा बता दिया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। पहले इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, देखिए पहले तो आप एलिप्स का ऐसे डायग्राम बना दीजिए रफली। ये आपका लाइन टेंजेंट है जिसकी वैल्यू निकालनी है, और ये टेंजेंट एक लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन को आप कहीं भी बना सकते हैं, और ये लाइन की इक्वेशन है y प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अगर मैं पूछूंगा कि इसका स्लोप कितना है m1, तो आप क्या कहोगे, माइनस 2 के इक्वल है इसका स्लोप, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या लिखोगे, टेंजेंट बेसिकली इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल।
तो माइनस वन बाई टू का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन बाई टू। तो इस लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x माइनस टू वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए अभी हमने स्लोप कैसे लिखा है, स्लोप कैसे लिखा है, कितना लिखा है, वन पॉइंट टू। तो अब हमें किसी तरीके से, और इलिप्स क्या है, तो अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई थ्री इक्वल टू वन। अब किसी तरीके से हमें क्या करना है, उस लैम्डा को निकालना है। तो उसका तरीका ये होता है दोस्तों कि टेंजेंट मैंने ऐसे लिखा है x माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, सॉरी प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो इसको आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख दीजिए, तो वन बाई टू टाइम्स x और प्लस लैम्डा बाई टू। क्लियर। अब आपने पढ़ा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अब ए भी नहीं काउंट करेंगे, जो रहेगा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर उसी को ए मानेंगे, ए स्क्वायर से रिलेट करेंगे, और इसमें कोई ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी का मीनिंग लेस हो जाएगा। केवल वो इन्फॉर्मेशन जहाँ तक वो टेबल बनवाए थे वहीं तक ए और बी कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है वो रोल है, अदरवाइज हमेशा आप सिंपल इक्वेशन की तरह ट्रीट करिए। तो सी स्क्वायर कितना है, तो लैम्डा स्क्वायर बाई कहोगे कि फोर है। ए स्क्वायर कितना हो गया, तो फोर, इसका स्क्वायर वन बाई फोर। और ये बी स्क्वायर कितना है दोस्तों, तो थ्री। तो ये हो गया आपका, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो गया आपका फोर, फोर जा सिक्सटीन। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर सिक्सटीन, तो लैम्डा इज प्लस माइनस फोर के इक्वल। तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट आएगा वो एक्स माइनस टू वाई प्लस लैम्डा मतलब फोर इक्वल टू जीरो आएगा, और एक दूसरा भी आएगा एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसी आंसर को एक साथ कंबाइन करके ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ताकि आप खुद से करके क्वेश्चन वेरीफाई कर सकें। इस क्वेश्चन से हम एक दो चीज़ें हम बताएंगे जो आपको लर्न करना है, जो सीखना है ना। पहली चीज़, तो कभी भी कोई लाइन देकर इलिप्स पे टेंजेंसी की कंडीशन पूछे तो आप सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देना, स्टेप वन। यहाँ पे इस लाइन की लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर, तो हमने स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर डाला। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसी लाइन को अपना टेंजेंट लाइन क्या है, पैरेलल होती, तो स्लोप सेम रखते हुए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते और सी फॉर्म में लिख के सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से हम लोग कई सारी चीज़ें सीख रहे हैं। पहले तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे अप्लाई करना चाहिए, लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखनी है, लाइन के पैरेलल लाइन कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया। और हाँ, एक ये जो प्लस माइनस है, एक तो मैंने ये दिखाया भी है, और एक कह सकते हो एक ये भी तो होगा इस तरह से उसी के पैरेलल। क्लियर। तो इसलिए एक का प्लस फोर आ रहा है और एक माइनस फोर। आप आपस में देखोगे तो ये दोनों टेंजेंट क्या हैं, पैरेलल हैं। हमने पैरेलल लाइन का बताया था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप टॉपिक लिखेंगे, अगला टॉपिक लिखिए टेंजेंट। तो देखो दोस्तों, टेंजेंट में क्या करना है, जैसे कोई इलिप्स दिया है और उस पर पॉइंट लाई कर रहा है एक्स वन वाई वन, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो ये हमने बताया था टी इक्वल टू जीरो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इलिप्स का इक्वेशन वही है दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। और ये हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी ब्रैकेट में एक्स वन कॉमा वाई वन लाइज ऑन इलिप्स, और इलिप्स की इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन इज टी इक्वल टू जीरो।
दैट इज एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो या इक्वल टू वन, एक ही बात है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हो P, यहाँ पे A cos थीटा अगर B sin थीटा हो तो इसको भी आपको याद रखना है, भूल नहीं सकते आप। तो आप कहोगे कि अगेन D इक्वल टू जीरो और एलिप्स ये वही है दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो क्या कहोगे कि x1 की जगह सर A cos थीटा रख दीजिए और y1 की जगह b sin थीटा रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इक्वल टू वन। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म वाला है, ये एक्स वन वाई वन पॉइंट वाला है, ये वैसे यूनिवर्सल है, इसको आप याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों आपसे याद हो जाएगा। क्लियर, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने कहोगे कि ये पैराबोला में भी इसी तरह का पढ़ा था, टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन टी इक्वल टू जीरो व्हिच लाइज ऑन द पैराबोला और ए टी स्क्वायर को हम 280 पे लिखे थे, जिसको टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर लिखे थे। जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप ज़रूर देख लें। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट दिया जाता है तो वहाँ से टेंजेंट कैसे निकालते हैं। तो लिखिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, जैसे कोई एक्सटर्नल पॉइंट दिया जाता है और इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट दिया है P और वो यहाँ हम बना देते हैं, इसमें बहुत सारे डिस्कशन है जिसको आपको ध्यान रखना है, एक्स वन वाई वन। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वाई इक्वल टू एम एक्स स्लोप का वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट की इक्वेशन मान लेते हैं, उसको इस पॉइंट से पास करा देंगे। तो इट पासिंग थ्रू क्या लिखोगे, एक्स वन कॉमा वाई वन। याद करिए, देखो हमने क्या किया, एम स्लोप का टेंजेंट लिखा जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने प्लस माइनस लिखवाया था, प्लस ही क्यों लिख रहे हो। तो आप दोनों में से कोई भी स्टूडेंट लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसको इसमें पास कराने के बाद हम लोग जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें नहीं पुट करेंगे, वो हम लोग निकालेंगे वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन से, क्योंकि पॉइंट दिया है, केवल स्लोप मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन तो निकाला ही जा सकती है। तो ये सब स्लोप के लिए ही किया जा रहा है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक तरफ ले जाके आप स्क्वायर कर दीजिए तो वाई वन माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखोगे दोस्तों तो ये आएगा एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स वन वाई वन टाइम्स एम प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है, बीइंग क्वाड्रेटिक इन एम, बीइंग क्वाड्रेटिक इन एम इट हैज़ टू रूट्स एम वन एंड एम टू एम वन एंड एम टू। तो आपको फिर क्या समझना है यहाँ पे कि एम वन प्लस एम टू की वैल्यू कितनी है। तो आप कहोगे कि टू एक्स वन वाई वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और एम वन एम टू कितना है। तो आप लिखोगे वाई वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर, अब देखिए आपको दो एम वन एम टू आए हैं तो एक ये भी बना सकते हो, ये थीटा भी दिखा सकते हो। तो मैं बस मेथड बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे याद वाद नहीं रखना है पैराबोला की तरह। टैन थीटा की वैल्यू आप लिखोगे तो क्या आएगा, तो आप कह सकते हो कि सर टैन थीटा आएगा आपका मॉडुलस ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। क्लियर, अगली चीज़ क्या है इसमें कि टैन थीटा निकाल दिए। अब एक कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या बताया था मैंने, सर्किल में ये ऑलरेडी कवर कर रखा है, पैराबोला में हमने बताया था, आई एम रियली सॉरी, सर्किल में ये मिस हो गया था। तो डायरेक्टर सर्किल इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स।
तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि वो जो थीटा दिखाए हैं वो पाई बाई टू है, तो आपका m1 m2 कितना हो जाएगा, m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, ये पाई बाई टू दोस्तों लिखा हूँ, दूर दूर से लगने पे लग रहा होगा कुछ और लिख दिए, तो m1 m2 माइनस वन कर दो, तो m1 m2 है वाई वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आप क्या करेंगे माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपका एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको एक्स वन वाई वन का अगर लोकस चाहिए तो लोकस ऑफ पी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्टर सर्किल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी का इक्वेशन का नाम है डायरेक्टर, ये डायरेक्ट करता है अपने सर्किल को। एक ऑक्जिलरी सर्किल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरा क्या है डायरेक्टर सर्किल। तो सब कुछ भूल भाल के हमें मेथड बताइए, तो मेथड ये है दोस्तों कि आप क्या करिए, एम स्लोप का टेंजेंट लिख डालिए। एम स्लोप का टेंजेंट कैसे लिखोगे, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक्स वन वाई वन से पास करा देना, क्वाड्रेटिक बना देना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एम निकाल सकते हो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो, और उस लाइन की इक्वेशन को जैसे लिखना हो टेंजेंट की इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग एम वन एम टू, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये लिखिएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन एंड वाई माइनस वाई टू इक्वल टू एम टू टाइम्स एक्स माइनस एक्स टू सॉरी एक्स माइनस एक्स वन। ये जानबूझ के इसलिए लिखना है क्योंकि एक्सट्रीनियस रूट जनरेट होते हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैं एडवांस के जब प्रिपरेशन कराऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि यहाँ कभी जेई मेन पूछेगा नहीं, गलती से भी नहीं पूछ सकता, बस आप ये रूल याद रखिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम कहते हैं ना डुबकी मार के इसको एनालिसिस कराना सारा चीज़ कराऊंगा। अभी इसमें तो हमने आप समझिए कि जो इलिप्स का होता है ना एडवांस में जो डिस्कशन, उसका डिस्कशन का हम यहाँ पे 20% भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सब कर देंगे दोस्तों तो पता चला यही टॉपिक पूरी क्लास में निकल जाएगा। तो हमें फास्ट रिवीजन महा रिवीजन करना है फॉर जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एडवांस का भी रिवीजन बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद है कि हमने क्या चीज़ कहाँ बोला था, तो वो सारी चीज़ें मैं एक बार रिकॉल कराता जाऊँगा और डीपली एनालिसिस करवाऊँगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर आपने एक्स वन वाई वन से पास कराया, डायरेक्टर सर्किल मतलब द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट टू एनी कर्व इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल। ये स्पेशल इट इज़ ए नेम ऑफ स्पेशल लोकस फ्रॉम विच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द एनी कर्व। तो ये लोकस ऑफ डायरेक्ट मतलब डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या आ जाती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि डायरेक्टर सर्किल के किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 90 डिग्री। तो ये सारा चीज़ हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब कि एक ऐसी लाइन जो कॉन्टैक्ट पॉइंट को ज्वाइन करे, जैसे हमने इसको बताया पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये जो लाइन है ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसी को कहा जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन जैसा हम लोग पैराबोला में पढ़े हैं एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे भी पढ़ना है दोस्तों, एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज टी इक्वल टू जीरो। मैंने इंसिस्ट करके बोला भी था कि जब तक पॉइंट आपके कर्व पे लाई करता है तब तक टी इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और जब तक आपका कर्व टी के बाहर चला जाता है सॉरी पॉइंट टी के बाहर चला गया तो वही इक्वेशन आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बन जाती है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सी ओ सी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आप चाहें तो पूरा लिखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट्स इज टी इक्वल टू जीरो, दैट इज ये लिखोगे आप एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। क्लियर। अब इसी में एक अगला पार्ट होता है दोस्तों कि आप लिखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन। मैं बताया हूँ पैराबोला में, हाइपरबोला में भी यही चीज़ें होंगी लेकिन फिर से एक बार आपको रिकॉल हो जाए भूले नहीं। तो ये एक्स वन वाई वन है, ये अगर पी क्यू है, ये कोई भी कॉर्ड है, तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं टी इक्वल टू एस वन। तो आप इसको लिख लीजिए प्रॉपर वे में, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन इज क्या लिखोगे टी इक्वल टू
एस वन, दैट इज टी क्या लिखेंगे, तो एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एस वन कितना लिखेंगे, तो एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। ये अलग बात है दोस्तों कि ये माइनस वन कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा अपने दिल पे पत्थर रख के इसको कैंसिल मत करिएगा, और जब आएगा तो, क्योंकि अगर कैंसिल कर देंगे तो फिर याद नहीं कर पाएंगे टी इक्वल टू एस वन को। तो टी इक्वल टू एस वन आप याद रखिए, फॉर्मेलिटी तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट हो गया, ये आपका पैराबोला में भी था, सर्किल में भी था, हाइपरबोला में भी होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग इस पे पेश करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है। पहले क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो एक एलिप्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये आपको दिया हुआ है कि ये जो लाइन है वो ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी, मतलब इस पॉइंट पी को निकालना है। तो लेट अस अज्यूम इट शुड बी एक्स वन कॉमा वाई वन, और ध्यान दीजिएगा ऐसा हमने, अगर आपने पैराबोला की क्लास की होगी दोस्तों, तो मैं ज़रूर डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को हर हाल में कर ही लेंगे। तो ये क्या है, तो ये एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई एट प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू वन, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन भी दी होगी, तो 3x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, मान लीजिए कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो बेचारा लाइन और इलिप्स को सॉल्व करेगा, क्वाड्रेटिक लाएगा, क्वाड्रेटिक मेहनत करके ए बी निकालेगा, ए बी पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेगा टी इक्वल टू जीरो मेथड से, फिर दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा। ये जितनी बातें बोला हूँ ना, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं दोस्तों, लेकिन जब करने बैठोगे ना तो हमारी बैंड बज जाती है। तो फिर क्या करते हैं कि हमने आपको टेक्निक बताई थी, याद करिए पैराबोला में क्या था कि इस लाइन की इक्वेशन को टी इक्वल टू जीरो वाले कंसेप्ट से भी लिखा जा सकता है, और ये गिवन भी है। तो दोनों लाइनों को लिखेंगे और दोनों को आइडेंटिकल कर देंगे। आइडेंटिकल करने का मैंने क्या तरीका बताया था, आइडेंटिकल करने का मैंने तरीका बताया था दोस्तों कि वन टू लाइन्स आर आइडेंटिकल वन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो आप वहीं लिखिए इक्वेशन ऑफ ए बी टी इक्वल टू जीरो, तो उससे कर दीजिए, तो एक्स एक्स वन बाई एट प्लस वाई वाई वन बाई फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो, और ये क्या है थ्री एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये आपस में आइडेंटिकल होंगे, तो यहाँ से हम लोग कोफिशेंट का रेशियो एक्स वन अपॉन ट्वेंटी फोर इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन फोर इक्वल टू वन बाई टू लिख देंगे। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और y1 कितना आ जाएगा माइनस टू। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंस है ये 12 कॉमा माइनस टू, वैसे आंसर हमने जानबूझ के दे रखा है, चार ऑप्शन नहीं लिखे हैं। आप कहोगे कि 12 कॉमा माइनस टू 50 ऑप्शन में दीजिए ना, ढूंढ तो लेंगे ही, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आप ऑप्शन सही लेकर आओगे तो फिर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने क्या बताया अभी तक, ये पूरा कंसेप्ट आप सब लोगों को क्लियर हो गया, एक ही लाइन को दो तरीके से लिखना, और इसको हाइपरबोला में भी कराऊंगा, भूल गए ना तो फिर समझ लेना, फिर मैं आऊँगा आपसे पूछने तो आप भूलोगे नहीं। और लाइन को लाइन की तरह बनाइएगा, जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं हम स्क्रीन पे, तो ऐसे लग रहा है कि ये टेढ़ा बना दिए हैं, तो आप लोग सही से बनाइएगा, आप लोग स्मार्ट हो हमसे, है ना। ये लाइन हो गई और इस तरह से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, तो ये लोकस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु पथ। तो ये क्या है, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द इलिप्स ऑन एनी टेंजेंट इज गिवन बाई। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी टेंजेंट बना दीजिए। अब कह रहा है कि जो इलिप्स का सेंटर है वहाँ से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, थोड़ा दूर बना देते हैं इसको दोस्तों, फिर से मैं बना देता हूँ एकदम बहुत बढ़िया से, यू प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये आपका इलिप्स है, क्लियर, और हमने मान लीजिए इस तरह का एक टेंजेंट बनाया, ये कोई भी टेंजेंट हो सकता है, दिस इज़ वेरिएबल टेंजेंट, है ना, आप कोई भी टेंजेंट दिखा देना। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इस M का H कॉमा K का मिड पॉइंट का लोकस बताओ। तो इसको करने के दोस्तों कई सारे तरीके हैं। तरीका नंबर एक ये है कि पहले इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह लिखें, जो सबसे आसान मेथड है, एक्स स्क्वायर बाई सिक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वन।
इस लाइन की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका स्लोप पता है के बाई एच, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो ये तो आप लिख ही लोगे। तो जब दोस्तों इसको निकालोगे ना, तो ये आएगा आपका वाई इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एच एक्स बाई के प्लस एच स्क्वायर बाई के इक्वल आएगा। ये इस तरह से देख सकते हो एच एक्स प्लस के, एक मिनट आई एम रियली सॉरी, ये कुछ हमने गड़बड़ कर रखा है, इसको मैं सही से पहले लिख देता हूँ। देख ही रहे हो ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये आप ऐसे लिखना एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पहले ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। अदरवाइज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखने समय हो सकता है हम लोगों को गलती हो जाए। तो वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो वाई इक्वल टू लिखेंगे दोस्तों माइनस एच बाई के टाइम्स एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है इस पर क्या है, टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो सिन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सी कौन है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, तो सिक्स है। एम स्क्वायर कितना है, तो के क्या है, एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर और प्लस टू, इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एच स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर। तो आप लोकस तो लिख ही लोगे, तो लोकस ऑफ एम क्या बताया था, एच को एक्स और के को वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखिए हमने आंसर यही लिखा भी हुआ है, और ये कैसे आया, तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप चेंज, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज़ इसको आप आराम से देखिए। ये टेंजेंट आप कहीं भी बना सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहीं भी हो सकती है, तो उसका एक इंस्टेंट को आप पिक करिए और उसको दिखा दीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम एच कॉमा के। आप ये भी दोस्तों कर सकते हो कि एम स्लोप का टेंजेंट लिख लिया और इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस वन बाई एम, तो माइनस वन बाई एम को वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन से करके एम की वैल्यू निकाल के उस टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दिया। नो डाउट आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन हमने क्या किया है, पहले लाइन ही लिख लिया, फिर उसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट किया। याद रखिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में जब कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, तो उस गलती से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लाइन को जैसे जानते हैं इत्मीनान से उसी तरह से लिखा जाएगा, और फिर क्या किया जाएगा उस तरह से लिख के, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया जाएगा, और उससे हम लोगों का कंप्लीट आंसर आ जाएगा। कहते हैं ना कि ये कर डाला तो बाकी सब झींगा लाला। अब इसी बात पे हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एट ऑल द पॉइंट ऑफ द इलिप्स अदर देन फोर वर्टिसेस, फोर जो वर्टिसेस हैं एंड ऑफ मेजर एक्सिस एंड ऑफ माइनर एक्सिस के अलावा, हम क्या कर रहे हैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो कह रहा है कि क्योंकि उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल टेंजेंट आएंगे, तो जैसे हम लोग को हॉरिजेंटल टेंजेंट के बारे में पता है कि हॉरिजेंटल टेंजेंट का आपका वाई इंटरसेप्ट तो होता है, आपका एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता क्योंकि वो इन्फाइनाइट पे जाके मीट करता है। वर्टिकल में क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट आपका नहीं होता, तो दोनों डिफाइंड हो, इसलिए वो अदर देन फोर वर्टिसेस की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, देन मिड पॉइंट ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज ऑन द कर्व। मैंने आंसर लिख रखा है, आंसर पे मत जाइए, बस आप पहले समझिए कि यह है क्या क्वेश्चन, है ना। तो आप इस तरह से पहले एक डायग्राम बना लीजिए सिंपल सा, उसके बाद कह रहा है ना कि ये जो इंटरसेप्ट है इसका जैसे मिड पॉइंट यहाँ पे है ना, कहीं पे भी दिखा दो मिड पॉइंट, मान लो कि मैंने यहाँ दिखाया एम, और ये मिड पॉइंट है, मतलब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट सेम है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, क्योंकि ये चेंज करोगे तो मिड पॉइंट भी चेंज होगा दोस्तों, तो उसी मिड पॉइंट का लोकस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को पता है कि अगर ये ए है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 2h, 0 बाई मिड पॉइंट फार्मूला, और ये बी है तो 0, 2k। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा, अरे भाई इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो ये आएगा ना, वही मैं कह रहा हूँ। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे लाइन की इक्वेशन की तरह एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। अब क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे, कहाँ है इलिप्स, तो इलिप्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई टू
प्लस वाई स्क्वायर बाई वन इक्वल टू वन की तरह। तो इसको पहले वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना होगा दोस्तों। तो ये वाई बाई टू के इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू एच प्लस वन। तो यहाँ से हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस के बाई एच टाइम्स एक्स प्लस क्या करोगे टू के से मल्टीप्लाई करोगे तो टू के। तो ये आप लिखो तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़े थे सी स्क्वायर। आप चाहो तो बार बार फॉर्मूला लिख लो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को यहाँ लिखना चाहते हैं। ए स्क्वायर कितना है भाई तो फोर है, एम स्क्वायर कितना है तो माइनस के बाई एच का होल स्क्वायर है और प्लस कितना है वन। तो ये हो जाएगा दोस्तों फोर एक्स स्क्वायर सॉरी फोर के स्क्वायर इक्वल टू फोर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस वन। तो आप फोर के स्क्वायर से एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन ए सही है ना, एक बार देख लीजिए अच्छे से, एक बार देख ही लेते हैं। तो ये हमने गलत लिखा है ना, ये टू होगा। आप कहोगे कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर होता है ना, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। तो ये हो जाएगा टू। तो अब हम फोर के स्क्वायर से डिवाइड करने के मूड में आ गए हैं। तो ये हो जाएगा वन बाई टू एच स्क्वायर प्लस वन बाई फोर के स्क्वायर इक्वल टू वन। तो लोकस के लिए क्या करते हैं, तो लोकस ऑफ एम इज़ क्या लिखेंगे वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ये चीज़ हम लोगों को टिक करनी है और वो आंसर भी दिया हुआ है हमने पहले से, ताकि हम लोग जो आंसर ला रहे हैं वो सही कर सकें, ऐसा ना हो कि कहीं हम लोग भावनाओं में खो जाएं, तो वो काम नहीं करना है। तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ दोस्तों कि मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट को माना एच के, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया और उसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा लिया। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो आपके लिए आम बात ही है, आम बात है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भूल गए क्या? अरे कैसे भूलोगे भाई, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाई द टेंजेंस एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटरल रेक्टा इज गिवन बाई। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ध्यान से, हम इन जनरल करा देते हैं फिर बाद में ए और बी की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो है, क्योंकि इसको देखा हूँ एज ए रिजल्ट की तरह बार बार पूछा जाता है, तो ये आपके चार पॉइंट्स लेटस रेक्टम के होते थे, उसी को लेटरल रेक्टा कहा जाता है प्लूरल में। तो इस तरह से आप टेंजेंट बना दीजिए एक, ये बनेगा आपका दो, ये बन जाएगा दोस्तों तीन और ये बन जाएगा आपका चार। क्लियर? तो इसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया की बात कर रहा है। तो ए इसको बना देते हैं या पी क्यू आर एस लिख देते हैं, पी क्यू आर और एस। इसको हमने आपको दिखाया था ना कि ये अपना होता था ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। मैं अभी जनरल इलिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन के बारे में। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, तो एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये हो जाएगा ई एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू वन। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका कितना आएगा, देखिए तो ए बाई ई कॉमा जीरो एंड दिस इज जीरो कॉमा ए। तो आपको क्या करना है, इस एरिया को निकाल के चार गुना कर देना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन चार इंटू वन बाई टू बेस इंटू हाइट, तो ए इंटू ए बाई ई। तो ये हो जाता है टू ए स्क्वायर बाई ई। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं पूछूँ कि ए कितना है एलिप्स का, तो आप बोलोगे थ्री है, और ए ई कितना है दोस्तों, तो हमने आपको लिखवाया था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आप निकालोगे तो ए ई हो जाएगा नाइन माइनस फाइव विच इज़ टू। तो आपके ई की वैल्यू मिल जाएगी टू बाई थ्री। तो यहाँ रख दीजिए तो टू ये नाइन हो गया। क्लियर? और वो टू बाई थ्री आपने रख दिया तो ये टू टू कैंसिल, ये नाइन ऊपर गया, तो ये हो जाएगा आपका सत्ताईस 27 स्क्वायर यूनिट्स। वैसे आप टू ए स्क्वायर बाई ई चाहें तो याद रख सकते हैं, और वैसे ये देख ही रहे हैं देन एंड देयर सिचुएशन में अगर कभी क्वेश्चन आए तो जनरलाइज फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो जो इलिप्स दिया था उसको लिख दें, लेकिन ए में फंसने से अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, आराम से जनरल फॉर्म में पहले डिराइव कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन टेंजेंट सेक्शन पर हमने सफिशेंट प्रॉब्लम्स करा दिए। अब हम लोग नॉर्मल पढ़ लेते हैं और एक दो प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगला हेडिंग लिखिए नॉर्मल।
तो देखो दोस्तों, नॉर्मल में क्या करते हैं, सबसे पहले आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। इसमें पॉइंट नंबर वन है कि अगर आपको कोई लिप्स दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और इस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। ये आपका एक्स वन कॉमा क्या है वाई वन, तो आप नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखोगे? तो कहोगे कि सर ये तो टेंजेंट है, नॉर्मल आपने तो बताया नहीं। तो नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो कहोगे कि पहले तो सर स्लोप लाने के लिए टेंजेंट को लिख लीजिए एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये स्लोप के लिए सब किया जा रहा है बच्चों, तो ये माइनस बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन। तो अगर मैं पूछूं कि हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये बी स्क्वायर एक्स वन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी आपको क्या करना है, तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम, तो बी स्क्वायर सॉरी ये माइनस ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो दोस्तों, तो ये आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर टाइम्स एक्स बाई एक्स वन माइनस वाई बी स्क्वायर टाइम्स वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिखते थे फॉर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर। और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो ए ई होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको याद रखना है, वैसे आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रखनी है और ट्राई टू बी मेमोराइज, क्लियर? अब इसको याद रखिएगा, आपका पूरा अच्छे से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इसी में दूसरा पॉइंट पूछ लें कि नॉर्मल एट थीटा, नॉर्मल एट पी ब्रैकेट में थीटा, दैट इज़ हम इस पर बात कर रहे हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो क्या करेंगे, ये एक्स वन है एक वाई वन है, पुट कर दो इसमें, तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन बी साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आर आप कह सकते हो कि एक्स ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे हम लोग पैराबोला में नॉर्मल पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो पैराबोला में नॉर्मल पढ़ते हैं ना, खूब भाव देकर पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, नॉर्मल एट गिवन पॉइंट, नॉर्मल कॉर्ड, पता ना क्या क्या पढ़ लेते हैं, आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इलिप्स में। आप ये दो ब्रह्मास्त्र हैं स्पेशली, ये तो भूल जाएंगे तो तुरंत ड्राइव कर ही सकते हैं, अरे भाई एक्स के वन की जगह ए कॉस थीटा और वाई वन की जगह बी साइन थीटा पुट कर देंगे। तो पहले आप ये लिखोगे स्टेप वन, क्लियर? और ये कैसे मेमोराइज़ करें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेना राइट साइड में, क्योंकि ए स्क्वायर ई स्क्वायर करना है, इसको सिंप्लीफाई भी किया है ना सर ने, तो आप भी सोच लेना। हाइपरबोला में क्या होगा दोस्तों, यहाँ दोनों जगह प्लस हो जाएगा और एक्स बाई एक्स वन और वाई बाई वाई वन लगा देना। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम एक्स बाई एक्स वन और एक्स एक्स वन बाई एक्स में कन्फ्यूज हैं, तो दोस्तों उसका इलाज ये है कि हम लोगों को लाइन की इक्वेशन लिखनी है, और लाइन में एक्स और वाई का पावर होता है वन, तो आप एक्स और वाई की पावर तो वन करोगे ना, तो एक्स बाई एक्स वन लिखोगे। अगर एक्स वन बाई एक्स लिख दिया तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो नहीं आएगी। तो इस वजह से हमें इस तरह से करना है। तो हमने क्या बताया, एक्स वन वाई वन पर नॉर्मल की इक्वेशन, जिसको एकदम अच्छे से मग लीजिएगा, पूरा अच्छी तरह से मगना। और दूसरा कि अगर एक्स वन वाई वन की जगह ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा है तो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको कवर करा दी, अच्छे से करा दी, एवरीथिंग इज़ डन। अब हम लोग क्या करें, ये कंप्लीट हो गया ना आपका, अब आप लिखिए इस पे बेस्ड। अब देखिए, अब हमारा एक प्रकार से चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, लेकिन पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के पहले अप्रोच ये है बच्चों कि कोई अगर लाइन है वो टेंजेंट कहता है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देते हैं। लेकिन अगर किसी लाइन को नॉर्मल बनाया जाए तो क्या करेंगे, नॉर्मल एट थीटा लिखेंगे और गिवन लाइन को आइडेंटिकल करके अपने थीटा भाई साहब को उड़ा दिया जाएगा। और उसमें उड़ाने में कौन, उड़ाने का मतलब हो गया बच्चों कौन, प्लीज़ डोंट माइंड, एलिमिनेट करना। और इसमें जो आइडेंटिटी काम आती हैं वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू वन। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तो ये मैं कंप्लीट समझूँ अपनी तरफ से, तो अब हम लोग लिखते हैं अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, द सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स सेंटर इज ओरिजिन इज वन बाई टू, इफ़ वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इक्वल टू माइनस फोर,
देन आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, इलिप्स की इक्वेशन ही मिसिंग है यहाँ पे, तो और x इक्वल टू माइनस फोर है डायरेक्ट्रिक्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस फोर, ये माइनस ए बाई ई होता था ना, तो आपको क्या दिया है माइनस ए बाई ई, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे e की वैल्यू है 1 बाई टू और a बाई ई की वैल्यू कितनी है, तो a बाई ई है आपका 4, क्लियर। तो आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 2, और a 2 मिल गया और b स्क्वायर होता था a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 3 के इक्वल। तो एक बार इलिप्स की इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक बार दोस्तों ध्यान से देखो तो क्या ये लाई कर रहा है इस पर, तो अगर 1 रखेंगे तो ये 1 बाई 4 और ये हो जाएगा 3 बाई 4 इक्वल टू 1, ऑब्वियसली लाई कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई है। और नॉर्मल की इक्वेशन मैंने क्या लिखवाया था, तो ए स्क्वायर मतलब पहले फार्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, 4 एक्स, एक्स वन कितना है भाई तो 1 है, माइनस बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कहाँ गया 3, वाई कितना है तो वाई वाई ही है और ये 3 बाई 2 है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, तो दिस इज़ 4x माइनस 2y इक्वल टू 1, तो ये है आंसर। तो इसमें आपका कंसेप्ट भी इन्वॉल्व हुआ, और याद रखिएगा अगर एलिमेंट्री चीज़ें पूछी जाएँ जैसे कि आपको कोई लाइन दिया है, नॉर्मल की कंडीशन पूछ रहा है, तो नॉर्मल है थीटा और लाइन को आइडेंटिकल करते हुए आप थीटा को एलिमिनेट कर दीजिएगा बाय ट्रिगो, ट्रिगो मतलब वहीं जो स्पेशल आइडेंटिटी बताए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जेई मेन में आए हुए हैं, इनफैक्ट ये जेई मेन का ही दोस्तों क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले इलिप्स की इक्वेशन आपको डिटरमाइन करनी है और उसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन, देख ही रहे हैं अगर रिजल्ट याद है तो कितना आसानी से मैंने क्वेश्चन कर लिया, अगर रिजल्ट याद नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, फिर से पूरा पूरा ड्राइव करना पड़ता, तो टाइम ज़्यादा लगता, तो फिर कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। वो क्वेश्चन करने के लिए हमें चीज़ों को क्या कहते हैं रिफ्रेश करनी होंगी अपने माइंड में, ताकि हम अच्छे से परफॉर्म करें विद इन द टाइम। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया ना, तो अब हम लोग मूव करते हैं और जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है उसको लिख के इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। तो देखो दोस्तों अगला पॉइंट हमने लिखा है, अगला पॉइंट क्या है मैं पहले समझा देता हूँ उसके बाद नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये इलिप्स है ना, पहली चीज़ इसके दो फोकस होते हैं आपके एस और एस डैश करके, तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हम कोई भी यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे इस तरह से, क्लियर। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर्स आएंगे, जैसे मान लीजिए ये वाई है और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वाई डैश, तो आपको ये प्रूफ करना है, और इलिप्स आपका स्टैंडर्ड है, ये हॉरिजेंटल ही मान रहे हैं दोस्तों, सिमिलरली फॉर वर्टिकल इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहला रिजल्ट ये कहता है कि ये एस वाई और एस डैश वाई डैश का जो प्रोडक्ट है ये आपका बी स्क्वायर के इक्वल आएगा, और दूसरा रिजल्ट कहता है कि ये जो वाई एंड वाई डैश जो हैं आर लाइज ऑन लाई ऑन, या ऐसे कह सकते हो वाई एंड वाई डैश लाई ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑक्जिलरी सर्किल इलिप्स का क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये कैसे होता है, क्या इसका प्रूफ है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ए ई कॉमा जीरो है, ये माइनस ए ई कॉमा जीरो, टेंजेंट आर्बिटरी है, तो इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप मान ही लीजिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। अब कहोगे कि परपेंडिकुलर में इसको कन्वर्ट करना है, तो एम एक्स माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख डालते हैं इक्वल टू जीरो। तो एस वाई इंटू एस वाई डैश करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना एस वाई इंटू एस डैश वाई डैश, क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर एक काम करिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी दोस्तों, देखो तो ए ई एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस ए ई एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस वन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं दोस्तों, बी स्क्वायर और एम स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर, थोड़ा रीअरेंज करके आप देखिए, होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एम स्क्वायर। तो ये दोस्तों अपना बी स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो वन प्लस एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरह से ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है बी स्क्वायर में। तो इसी को कहते हैं कि मेजर एक्सिस का स्क्वायर है। सिंपल क्या करना है दोस्तों, कुछ मत सोचना, सीधे सीधे एम स्लोप का टेंजेंट लिखना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, और वो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जब इलिप्स की इक्वेशन ये लिखते हैं तो ये चीज़ हम लोगों को मालूम होता है कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर, ये तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं तभी से पढ़ने लगते हैं। तो इस ये हमेशा रहेगा, इसको कोई बताएगा नहीं, ये आपको खुद सोचना है, खुद सोचना है, ये ध्यान रखिएगा। और सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा, देखता हूँ कितने स्टूडेंट कर लेते हैं। एच के को इसको सेटिस्फाई करा दीजिएगा। तो इसका स्लोप भाई साहब का कितना है, एम है, तो इसका स्लोप आप लिखिएगा माइनस वन बाई एम। तो एम की वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन से निकाल के इसी में पुट कर देना। तो जब करोगे पुट तो अपने आप आंसर आ जाएगा। कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर इतना मत करिए, आप पुट कर ही दीजिए। तो ये यही कह रहा है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर होगा, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं वो ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करते हैं। तो कहते हैं ना कि जब इतना कर लिए तो अंत भला तो सब भला वाली कहानी को लेकर ये भी मैं प्रूफ करा ही देता हूँ, और उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना क्वेश्चन मैंने कराया है उतने क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और सेल्फ करेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे और फोड़ के आएंगे। तो देखो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि वो कैसे लाई करता है, उसके लिए मैं अलग से दिखा देता हूँ। अब सिर्फ आप ऐसे ही बनाना है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने इस तरह से दिखाया, ये एम दिखाया होगा, एच के कोई भी एक पकड़ सकते हैं, और ये है आपका ए कॉमा जीरो। क्लियर, इस लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, ये तो अपना टेंजेंट था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, हाइपरबोला में यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये इस पे लाई कर रहा है, तो वाई के इस पे लाई कर रहा है, तो के इक्वल टू क्या हो गया, तो आप कह सकते हो कि के की वैल्यू हो गई एम एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्लोप कितना मैं बता रहा था, तो माइनस वन बाई एम। तो माइनस वन बाई एम को आप लिख डालिए y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वाले कॉन्सेप्ट से, तो ये हो जाएगा h माइनस ए इक्वल टू माइनस के एम। तो ये हो जाएगा आपका h प्लस के एम इक्वल टू ए, और इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो k माइनस एम एच इक्वल टू आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो वी गेट दोस्तों देखिए क्या मिलता है, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर प्लस h प्लस के एम का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर टाइम्स वन प्लस एम स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों ध्यान से देखो, तो बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है, आप ध्यान से देखिए, तो बी स्क्वायर को क्या बताया हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ इसका टू ए बी वाला टर्म दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने कैंसिल दिखाया नहीं है, इतना आपको खुद करना है, कुछ तो करो दोस्त, मेरे दोस्त अब इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप तो कुछ तो करो, आप अपने लिए भी कुछ करो, मेरे लिए भी कुछ करो। अपने लिए क्या करोगे, तो सिलेक्ट होके आओगे, मेरे लिए क्या करोगे, तो 10-15 बच्चों को मेरे चैनल फ्यूचर एड इन विवेक सर पे ज़रूर ऐड कर देना। क्लियर, तो ये हमारी फीस है। तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो कहोगे कि सर इसको पहले आप ऐसे लिख दीजिए ए स्क्वायर टाइम्स वन प्लस एम स्क्वायर, और फिर वन प्लस एम स्क्वायर को बढ़ा देंगे तो अच्छा लगेगा। तो लोकस कितना हुआ, तो लोकस ऑफ एम इज, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों ए स्क्वायर, विच इज ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एलिप्स,
क्लियर। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे हम सौरभ सर के चैनल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास हो रही है, इसके बाद आपका वेक्टर 3D चलेगा, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग चलेगा, फिर लास्ट में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट चलेगा, और जो कैलकुलस, ट्रिगो और अलजेब्रा के कुछ सेलेक्टेड सेक्शन है वो कहाँ चलेंगे बताओ, तो वो फ्यूचर IIT एंड विवेक सर पे चलेगा। मैं हूँ विवेक सर और हमारे चैनल पे चलने वाला है कैलकुलस, ट्रिगो, और ट्रिगो मतलब ट्रिग्नोमेट्री, उसको शॉर्ट में ट्रिगो बोलते हैं, कौन इतना लंबा चौड़ा नाम लेगा। तो दोस्तों जितना हम और सौरभ सर कह रहे हैं उतना आप करते जाइए, यकीन मानिए आप 300 में कम से कम 200 तो मिनिमम हमारी तरफ से गारंटी लीजिए कि आप स्कोर करेंगे और उसमें एक अच्छी NIT मिलेगी। और एडवांस की तो एकदम टेंशन मत लीजिए, जब आप पेपर आइएगा देकर JEE मेन का, तो एडवांस की हम लोग एक प्लानिंग मैराथन वहाँ भी चलाएंगे, आप सिर्फ उस मैराथन को कर लेना। मैं गारंटी के साथ देता हूँ दोस्तों कि हम लोगों की क्लासेज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका IIT BHU तो मिल ही जाएगा, एक अच्छी ब्रांच मतलब 3000 के अंदर रैंक आ जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। और मैथ्स में तो फोड़ ही दोगे आप एकदम, जो PCM है ना उसमें मैथ्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करोगे। एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ दोस्तों, अगर हमारे 11th 12th के जो स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ माइंड ना करें, ये मैं ऐसे जन शताब्दी एक्सप्रेस की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन बच्चों रिवीजन क्लास करना है जहाँ हम 10-12 क्लास में इलिप्स पढ़ाते हैं, अब 1-2-3 क्लास में ही पढ़ानी है, तो आप ही समझ सकते हो ना कि स्पीड कौन से एक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। तो वो चीज़ें मैं 1 सितंबर से रेगुलर रहूँगा अपने चैनल पे, और हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी अब सही होने वाला है, तो लाइव क्लासेस का टाइम भी मैं डिसाइड कर दूँगा और सब कुछ आपका लाइव हो जाएगा, तो हर चीज़ आप डाउट आउट सब पूछ सकते हो दोस्तों। लेकिन ये डाउट कहाँ पूछ पाओगे, तो फ्यूचर IIT एंड विवेक सर वाले चैनल पे, तो फटाफट उसको सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, हमने आपसे इतनी मेहनत की है तो मैं भी आपसे फीस मांगता हूँ, मेरी फीस ये है कि आप मेरे चैनल से जुड़िए और आपके जितने दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उन सबको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। यकीन मानो दोस्तों, एक बार उसको बस कन्विंस कर दो, बाकी तो देख ही रहे हो, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप पढ़ोगे और नहीं अच्छा पढ़ाता हूँ तो फिर हमारे कहने से तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना। तो मैं अपनी तरफ से पूरा अपना बेस्ट दिया, आप भी अपना बेस्ट दीजिए, हम और सौरभ सर जो कह रहे हैं आपसे उसको आंख बंद करके फॉलो करिए और कहीं मत सोचिए एग्ज़ाम कब होता है उससे कोई मैटर नहीं करता, ये आप टारगेट रखो कि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो हम उस दिन सेलेक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, बस इतना आपको एटीट्यूड रखना है, ये नज़रिया अपना रखना है, क्लियर। तो जल्दी ही मिलते हैं, अगला टॉपिक आपका हाइपरबोला है। हाइपरबोला में क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं सिंपल, और तो उसको बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे। और कॉनिक सेक्शन के कंबाइंड क्वेश्चन हमारा को कराना है जिसमें पैराबोला भी हो, इलिप्स भी हो, हाइपरबोला भी हो, तो वो हम लोग हाइपरबोला को पढ़ने के बाद करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे।